आता गोल जोर जा आता वेल सो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू तो चलिए आई होप आप सब बढ़िया हो गया हा <laughs> तो चलिए आ, जो ऐप में देख रहे हैं मैं कह दूं हमने दोनों ऑप्शन दे दिया आपको फोर एटी सेवन ट्वेंटी आपके इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से ओके आपको जो ऑप्शन आप, ज्यादा बेटर है वो आप देख सकते हो जहां तक मेरे सामने स्टूडेंट ऐप ही चालू है स्पीड अच्छा है और बेस्ट क्वालिटी चालू है यानी अभी मैं ऐप में देख रहा हूँ ये आईपैड पे और क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है इन शॉर्ट आपके अगर इंटरनेट स्पीड अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी अदरवाइज हमने 480 का ऑप्शन यहाँ पे दिया है ठीक है जो आज youtube से कनेक्टेड है लास्ट सेशन है पर मैं डाउट youtube पे एंटरटेन नहीं करूंगा आज जो भी है ओके okay, ऐप पे ही मैं सारे डाउट्स एंटरटेन करूंगा youtube का ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिसको अभी तक सेटअप नहीं हुआ है हम हाँ, इसके बाद का जो मंडे का क्लास है मंडे हम टोटली किस पे ऊपर लेंगे ऐप के ऊपर लेंगे तब तक सेटअप करवा लो और यस yes, बेटा uh, तो यूट्यूब लिंक पाटो मेडम नहीं है मतलब व्हाट्सएप कर लिंक चलिए आपने क्लास की शुरुआत करते एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा आए हम कुछ अच्छा करने तो इस बार टैक्सेशन छोड़ो छोड़ो साथ छोड़ दो भाई हाँ तो चलिए यहां पे अगर आपको याद होगा तो चैप्टर नंबर टू में से इतना चार्ड आपको याद रखना है बाकी अभी फिलहाल उस चैप्टर नंबर टू का सेक्शन नाइन जो चार्जिंग सेक्शन है उसको स्टेप बाय स्टेप हम और डिटेल में तो पढ़ेंगे पर अभी तो चार्ट जो है आपको इतना ही याद रखना है जितना मैं आपको बता रहा हूं ओके okay, तो यस आपको चार्ट में सेक्शन नाइन में थोड़ा एक ओवर लुक करो जो आपने चार्ट बनाया आ जाओ वहाँ पे चलो चलो फटाफट ओवर लुक करो ठीक है और इस चार्ट में जब आप आओगे तो चार्जिंग सेक्शन ये चार्ट से एक बहुत बड़ा चार्ट मैं बनाने वाला हूँ और सारी चीजें मैं कनेक्ट करने वाला हूं ठीक है प्लीज सभी ध्यान दे लेवी कलेक्शन एंड पर्सन लाइबल टू पे टैक्स पूरा एक्ट हम ब्रॉड सेंस में तीन पार्ट पे देखेंगे कि भाई यहां सेक्शन नाइन वन कहता है कि लेवी लाइबिलिटी किस पे है कब आएगी कौन से इवेंट को आप टच करोगे तो करंट लगेगा अरे आए ना उसके बाद में आपका जो चार्ज आ गया मतलब करंट ओके okay, चार्ज जो आएगा ओके okay, फिर हम उसको क्वांटिफाई करेंगे वैल्यूएशन जैसे आपने इनकम टैक्स में कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम अरे ना तो जो भी जिस पे भी चार्ज लगा यही हम नेक्स्ट फाइव डेज पढ़ने वाले हैं कि करंट कब कब लगता है समझ में आया क्या जैसे ओके okay, जो भी सिचुएशन आइडेंटिफाई होगी उस सिचुएशन की वैल्यू कैसे होगी उसके लिए स्पेशल पढ़ने वाले सेक्शन क्या फिफ्टीन समझ में आया क्या पढ़ने वाले सेक्शन फिफ्टीन फिर उसके रेट्स क्या हो गए रेट ब्रॉड सेंस में तो ओके okay, अभी फाइव ट्वेल्व एटीन एन ट्वेंटी फोर समझ में आया ना हाँ कुछ गुड्स पे थ्री परसेंट है जैसे गोल्ड वगैरह थ्री परसेंट है डायमंड वगैरह होगा तो पॉइंट टू फाइव परसेंट है समझ में आया ना तो वो आपको प्रॉब्लम एग्जाम में दे दिया जाएगा कि क्या रेट हो गए जीएसटी के नाउ यहां से मतलब चार्ज हुआ वैल्यू और रेट नेक्स्ट कलेक्शन कब होगा चलो ठीक है सर ओके okay, यहाँ पे क्वांटिफाई हो गया हमारा लाइबिलिटी और गवर्नमेंट कब कलेक्ट करती है थोड़ा बहुत मैंने टच आपको दिया है गवर्नमेंट आपसे मंथली लेती है कुछ ज्यादा है गवर्नमेंट आपसे मंथली लेती है अगले महीने की बीस तारीख तक कुछ थोड़ा याद आ रहा है पर उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब अभी से एक चीज दिमाग में फिट कर लो जब भी एक्ट में वर्ड होता है इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब मतलब उससे रिलेटेड रूल्स होते हैं उससे रिलेटेड रूल्स होते हैं अब हमने कल एक हिरार की देखी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ याद आया फिर एक्ट ओके और बाद में रूल्स बेटा एक्ट है सेक्शन नाइन हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स बहुत ब्रॉड सेंस में कहता है जाओ इंडिया में जीएसटी लगा दो आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स और जाओ ओके सेंटर और स्टेट ओके तुम दोनों मिलकर लगाओ समझ में आया क्या पर उसके तहत एक्ट बना कौन सा एक्ट बना सी जी एस टी एक्ट एस जी एस टी एक्ट यू टी जी एस टी एक्ट आई जी एस टी एक्ट जी एस टी से पास किया पर बिल्कुल यूनिफाइड कोड पे पास किया हुआ है ये समझ में आया ना और ये एक्ट बना जिसमें हम सेक्शन 91 मैं आपको कहूं सेक्शन 91 वन ऑफ सी जी एस टी एक्ट पढ़ा रहा हूं लेकिन अगर महाराष्ट्र एस जी एस टी देखोगे तो उसमें भी 91 ही दिखेगा महाराष्ट्र एस जी एस टी देखोगे तो उसमें भी नाइन वर्ड टू वर्ड सेम दिखेगा इसलिए आपको महाराष्ट्र के स्टेट किसी भी स्टेट के लॉज आपको पढ़ने नहीं है क्योंकि वो एग्जैक्टली वर्ड बट सी जी एस टी है समझ में आया और इंटीग्रेटेड टैक्स लगाना है तो हमें एक्ट होता है कौन सा आई जी एस टी करेक्ट डन और इज इट क्लियर ओके तो आई जी एस टी एक्ट अब इस वो तो, तो, तो यहां टैक्स जाने दो और मैंने आपको थोड़ा लास्ट मेरी बुक लास्ट बैच से कंपेयर मत करना ओके okay, इस बार मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिया है ओके वहां लीगल जॉर्गो यूज किए थे लेकिन इस बार उसको थोड़ा सिंपल वर्ड में अरेंज करके आपको दिया हुआ है ठीक है नाउ तो ओके okay, या कल मैं कुछ मैसेज पढ़ रहा था कि सर लास्ट बैच की आपकी बुक और इस बैच में आपने सिंप्लीफाई कुछ मिसिंग तो नहीं है कुछ मिसिंग नहीं है ओके okay, इस बार मैंने थोड़ा और अच्छे से स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करके दिया है समझ में आया कि नहीं आया ओके okay, तो चलिए तो यहाँ पे जहां तक देखा जाए तो चार्ज वैल्यू एंड क्या रेट और मैं हर बैच में चेंज करता हूं नया स्ट्रक्चर लेके आता हूं ओके क्योंकि चेंज ही हमारी लाइफ है हाँ जहां तक देखा जाए तो चार्ज वैल्यू एंड रेट बेटा मैं अभी चौथे इरा में पढ़ा रहा हूं समझ में आया क्या तो वैल्यू एंड रेट और दूसरी बात कलेक्शन कलेक्शन जब होगा एज पर रूल इन सच ए मैनर एज प्रिस्क्राइब अब देखो यहां पे एक चीज नोट करने लायक है सेक्शन नाइन वन कहता है कि पर्सन लाइबल टू पे टैक्स जो है वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए समझ में आया क्या टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए इनकम टैक्स में और यहां में फर्क है इफ यू आर अ पर्सन अर्निंग द इनकम लाइबल टू पे टैक्स लेकिन यहां पे ओके okay, जिस पे हम टैक्स कलेक्ट करेंगे वो सिर्फ पर्सन नहीं पर्सन नहीं क्या टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए भाई साहब अब यहां ये यह जानना बहुत जरूरी है हु शुड बी द टैक्सल पर्सन ये समझ में आया क्या शुड बी प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन दिस रिविजन फॉर यू नॉट फॉर मी समझ में आया क्या अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा ना तो मैं दस मिनट पंद्रह में, में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ये मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे पता है आपका शेड्यूल मॉर्निंग से तो शाम तक बहुत बिजी है कभी टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए कभी नहीं मिलेगा पर क्लास के पहले पंद्रह मिनट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा इसलिए मैं आपको कहूंगा ये गेम चेंजर क्लास के पहले 15 मिनट्स ही है बाकी तो ठीक है जो लेट आ रहा है वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है जो यहां क्लास में डिसिप्लिन में नहीं आ रहा है क्लास में सबसे बड़ा आने का फायदा है आपका डिसिप्लिन मैं आपको कह दूं जो स्टूडेंट ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग में रेगुलर बेसिस पे देखेंगे या फिर यहां पे ओके क्लास में आके देखेंगे मैं इनको कहूंगा कि यही मेन डिसिप्लिन है जो सीए बनने के लिए सीएम या सी जो भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो बनने के लिए बहुत जरूरी है एक बार चीजें पेंडिंग पड़ी तो वापस उसको कवर करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा आपको इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप डिसिप्लिन में क्लास आओ अरे रे होले होले बेटा हाँ चलिए चार्जिंग सेक्शन प्लीज 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 और अभी थोड़ा माइंड सेट रखना जब आप बैच लगाते हो थोड़ा स्पेस रहता है टाइम पास करने के लिए फैकल्टी के पास भी स्पेस रहता है पर अभी आप सीरियस हो जाना कोशिश पूरी करूंगा कि पढ़ाते पढ़ाते भी आपका एंटरटेनमेंट लाओ आपका इंटरेस्ट लाओ जैसे आपने कहा कि मैंने देखा आपने छः पाँच छः दिन में मैं कोई सेपरेट ह्यूमर नहीं करता हूँ अपने पढ़ाने में ही सिचुएशन क्रिएट करता हूँ ये समझ में आया क्या जिससे आपका कंटिन्यूटी बना रहे टाइम पास ज़्यादा ना हो और सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट बना रहे ये समझ में आया क्या तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट और रियली मैं आपको बताऊँगा जी आपका वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन के रहेगा यानी आपको ये तो टेंशन नहीं रहेगा जब भी पढ़ने बैठो जीएसटी ऐसा लगेगा कर लूंगा समझा नहीं समझा ओके okay, तो चलिए अब इधर इधर ध्यान ध्यान दो दो सभी सभी ने लेवी कलेक्शन एंड पर्सन लाइबल टू पे टैक्स ख्याल रहे मैं आपका ध्यान फिर से लाना चाहूंगा और किसी पर्सन नहीं जीएसटी कलेक्ट करना है तो वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए और चलो आपकी जानकारी के लिए टेक्निकल डेफिनेशन में तो बाद में जाएंगे लेकिन मैंने इस बात को भी टच किया हुआ है जो आपको बता दू टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए मतलब क्या मतलब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होने चाहिए मतलब क्या मतलब आपका ओके बीस लाख के ऊपर थ्रेशोल्ड होना चाहिए तो समझ आया क्या जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए और आपका थ्रेशोल्ड बीस लाख के ऊपर होना चाहिए हाँ अगर आपने वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आप टीपी बन गए टीपी मतलब टैक्सेबल पर्सन ओके इन सिंपल वर्ड आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होने चाहिए तो ही आप ओके okay, यहां पे टैक्सेबल पर्सन बनोगे एक तो रजिस्टर्ड या फिर आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाना चाहिए थ्रेशोल्ड मतलब कितना ट्वेंटी जनरल थ्रेशोल्ड कुछ याद आएगी आपको चलो बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे आई होप ये बात समझी होगी ओके okay. इसका मतलब क्या आता है कि अगर मैं ये सारी चीजों को साथ में लू क्योंकि सेक्शन जो है वो तो कंटिन्यूटी में है। मैंने आपको ब्रेक करके दिया है सेक्शन नाइन वन कहता है ओके okay, कि भाई आपका सप्लाई होना चाहिए वैल्यू ऐसे होगी कलेक्शन ऐसे होगा और टैक्स देने वाला ये होगा टैक्स देने वाला ये होगा अब यहां पे आपको बता दूं कि समझ लो आपका टर्न ओवर चार लाख ही है और आपने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन नहीं लिया और आप सप्लाई कर रहे हो इंट्रास्टेट इंटरस्टेट सेल कर रहे हो इवन तो आप सप्लाई कर रहे हो समझ में आया क्या इवन दो आप सप्लाई कर रहे हो लेकिन अगर आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो टैक्सेबल पर्सन नहीं हो मतलब नहीं हो मतलब मतलब आपका बीस लाख ,00 के नीचे और आपने वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है इवन दो सप्लाईज़ मेड इवन दो क्या सप्लाई मेड या नहीं समझा ओके okay, तो ये था आगे और इसको डिस्कशन में लेंगे चलिए तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है स्टेप बाय स्टेप अब सेक्शन नाइन वन और सेक्शन फाइव वन वर्ड टू वर्ड सेम है सिर्फ इं, इंट्रा के जगह इंटरेस्टेड है कम ऑन इंट्रा के जगह इंटरेस्टेड बाकी एक्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सेम आई होप यू अंडरस्टूड चलिए अब यहां पे यह हमने देखा अब हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो आ जाओ चैप्टर नंबर थ्री कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में <coughs> अब आपको बता दो हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस सेक्शन टू अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि जो जो चैप्टर में सेक्शन टू की डेफिनेशंस आएगी रिलेवेंट होगी हम वहां वहां देखेंगे जैसे पहले चैप्टर टू में हमने इंडिया की डेफिनेशन देखी यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन देखी कुछ याद आएगा आपको यह बहुत सारी डेफिनेशन देखने वाले ओके okay, और मेनली सेक्शन सेवन एंड एट चलो मेरे साथ सभी स्टूडेंट ऑनलाइन यूट्यूब एज वेल एज जो फेस टू फेस बैठे सेक्शन सेवन ध्यान से पढ़ो क्या मीनिंग ऑफ सप्लाई और एट चलो तीन सेक्शन लर्न कर लेते हैं सेवन एट नाइन नाइन चार्जिंग सेक्शन हो गया है नाइन चार्जिंग सेक्शन हो गया है अरे आया ना तो अब सर आपने ऐसा क्यों नाइन क्यों पहले पढ़ाया और बाद में सेवन एट क्यों लिया तो मैं जैसा आपको यह बताना चाहता हूं मैं ये फ्लो में पढ़ाना चाहता हूं नाइन कहता है चार्ज सप्लाई पे आता है चार्ज किसके ऊपर आता है सप्लाई पे आता है तो अब आपका सवाल होगा व्हाट डू मीन बाय सप्लाई समझ में आया तो अब जाएंगे सेक्शन सेवन में मीनिंग ऑफ सप्लाई तो चलिए यहां पे ये चैप्टर में दो ही सेक्शन पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर जितना भी थर्टी फोर्टी पेजेस का है सिर्फ दो सेक्शन पे कौन से दो सेक्शन पे मीनिंग एंड सप्लाई एंड कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई ये फाउंडेशन है जीएसटी का जिसको करंट समझ गए कहां कहां करंट लगते हैं फिर क्वांटिफाई करना आसान है ठीक है चलिए चलो यहां पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पहली डेफिनेशन आएगी पर्सन की इनकम टैक्स में बहुत बार पढ़ लिया आपने एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन है पर्सन इंक्लूड्स exactly क्या इंडिविजुअल एच यू एफ पता है ना क्या होता है मैं अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगा नहीं तो भी क्या फायदा फिर डीटी के बाद आईडीटी पढ़ाने का समझ आया हाँ तो एच हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसका डीटी नहीं हुआ है वो डीटी में समझ जाएगा ये मीनिंग क्या होते है? ठीक है नेक्स्ट <laughs> क्या? कंपनी कंपनी, उसके बाद में फर्म फर्म मैंने लिख दो पार्टनरशिप फर्म। जब भी इस एक्ट में मैं वर्ड फर्म यूज करूं मतलब प्रोप्राइटरी फर्म नहीं पार्टनरशिप फर्म। यस और नो लिख दो आप पार्टनरशिप फर्म नालायक को कुछ लिखो वहां पे मतलब लगेगा पढ़ाया हुआ है लगेगा पढ़ाया हुआ है ठीक है उसके बाद में एल एल पी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म उसके बाद में एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बीओ मतलब क्लब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या आता है क्लब आता है सोसाइटी कोऑपरेटिव ऐसा क्लब तो आता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्लब आता है कभी कभी कुछ कमिटीज भी आ सकती है ओके okay. तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आगे वो कहते हैं वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया वो कहाँ इनकॉर्पोरेट हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है वो इंडिया में हो या इंडिया में बाहर हो जीएसटी डेस्टिनेशन बेस टैक्स है जेम्स बॉन्ड भी आके अगर इंडिया में सर्विस दे तो उस उसपे भी जीएसटी आता है वो बात अलग है कि हम अपने वाले को ही देते हैं रिवर्स चार्ज कुछ याद आया क्या जो अपने वाला है उसको ही देते हैं तो नाउ उसके बाद में एस्टेब्लिश बाय लॉ अंडर सेंट्रल स्टेट प्रोविजनल एक्सेट्रा ठीक है इन उसके बाद में बॉडी कॉरपोरेट अंडरलाइन इनकॉरपोरेटेड बाय और अंडर लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया या फिर सीएम इंस्टीट्यूट या सी एस ये बॉडी कॉर्पोरेट है यह क्या है बॉडी कॉर्पोरेट है ठीक है उसके बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडरलाइन करो लोकल ऑथोरिटी हा ये भी पर्सन मानी जाएगी उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद में सोसाइटी ट्रस्ट और लास्ट में एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन ओके तो एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन इन सिंपल वर्ड आपको कहो क्या okay. जितनी भी एंटिटीज लॉ में रिक्नाइज है और आखिरी का वर्ड तो कह देता है क्या कहता है कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बना है या बनेगा वो पर्सन की डेफिनेशन में आएगा अगर बहुत लेमैन लैंग्वेज में कहे तो जो भी इंडिया में सप्लाई करेगा फिर ट्रस्ट क्यों ना हो जो भी इंडिया में सप्लाई करेगा फिर ट्रस्ट क्यों ना हो सोसाइटी क्यों ना हो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों ना हो एओपी बीओ सभी इसमें ऐड कर दिए और सभी जीएसटी देंगे ये सर नो तो यहां पे की डेफिनेशन मैं इसलिए ज्यादा यहां स्ट्रेच नहीं करूंगा इनकम टैक्स में शायद पूछा जा सकता है जीएसटी में हंड्रेड नहीं पूछेंगे क्योंकि जीएसटी का ऑब्जेक्ट है कोई भी हो हमें क्या लेना देना आपने सप्लाई किया आपको जीएसटी देना पड़ेगा यहां पे आपके इनकम टैक्स और आईडीटी के कॉन्सेप्ट ओवरलैप हो सकते हैं क्योंकि आपके इनकम टैक्स में भर भर के पड़ा है आपने कि ट्रस्ट पे इनकम टैक्स नहीं आता है इस इसपे नहीं आता है पर जीएसटी में ऐसा नहीं है जीएसटी में अगर ट्रस्ट भी सेल कर रही है बिजनेस कर रही है ट्रस्ट भी बिजनेस कर रही है सोसाइटी भी बिजनेस कर रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस कर रही है ओके तो इनको भी जीएसटी देना पड़ेगा आई होप यू अंडरस्टूड और दूसरा क्या है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सभी लोग समझ यहां पे कनेक्टेड है समझ लो यहां पे समझ लो जिसको भी ऐप में लैग हो रहा है रिफ्रेश करो रिफ्रेश करो ठीक है अब एक बात मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जामेशन देते वक्त सप्लायर कौन है उससे ज्यादा रिसिपियन सर्विस लेने वाला कौन है उसको ध्यान में रखा जाता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जामेशन देते वक्त एप्रोच टोटली अलग होता है डायरेक्ट टैक्स पास ऑन नहीं होता है इट पीस टू पेबल बाय पर्सन कंसर्न तो जो पैसा कमा रहा है इनकम कमा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए एग्जाम्शन दिए जाते हैं पर इनडायरेक्ट टैक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम जो बिजनेस करने वाला से ज्यादा जो उसका सर्विस लेने वाला है उसको देखकर एग्जामेशन दिए जाते हैं क्योंकि अल्टीमेटली बर्डन उसको जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर आगे जब मैं एग्जामेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो गवर्नमेंट ने स्कूल कॉलेजेस थोड़ा लॉजिक लेके बताना स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज प्राइवेट कोचिंग क्लासेस नहीं स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इनकी एजुकेशन सर्विस एग्जाम की है मतलब अगर स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज एजुकेशन सर्विस देते हैं तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है इसलिए स्कूल फीस इवन हमारी इंस्टीट्यूशन भी आती है उसके अंदर ठीक है तो हमारे एग्जाम फीस आप देते हो या आप इंस्टीट्यूट के चैप्टर में जाके क्लास करते हो समझ में आया ना तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है तो सर क्यों मुझे बताओ ये एग्जामिशन स्कूल कॉलेजेस को देख के दिया गया या उनसे लेने वाले सर्विस रेसिपियंट को देख के लिया गया स्टूडेंट को देख के दिया गया आजकल नहीं तो प्राइवेट स्कूल जो है करोड़ की कमा रही है अरे आया है ना पर उनको देख के नहीं दिया गया उनसे सर्विस लेने वाले देख के दिया गया तो आईडी में मोस्ट ऑफ द एग्जामिशन सप्लायर के एंगल से नहीं होता है ओके मोस्ट ऑफ द एग्जाम सप्लायर को इसलिए मिलता है क्योंकि उसके रिसिपिय जनरल पब्लिक है उनका इंटरेस्ट को ध्यान रखना है ये समझ में आया ना तो सर फिर प्राइवेट कोचिंग क्लासेस को क्यों नहीं दिया गया ओके नहीं दिया नहीं दिया क्योंकि प्राइवेट कोचिंग क्लासेस जो है गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि उसको बेनिफिट मिले ठीक है तो ऐसे केस में मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं आपको वापस मैं मेरे डिस्कशन पे आता हूं ट्रस्ट ट्रस्ट जैसे आपने इनकम टैक्स पढ़ते वक्त दुनिया भर दिमाग में भरा होगा कि ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस पे टैक्स नहीं आता ट्रस्ट पे टैक्स नहीं आता भाई वो डायरेक्ट टैक्स था ये क्या है इनडायरेक्ट टैक्स है अगर कोई ट्रस्ट बिजनेस कर रही है और लोगों से पैसा कमा रही है तो वो भी जीएसटी देगी सब्जेक्ट टू सम समय बाद में देखेंगे पर ट्रस्ट पे भी जीएसटी आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी पे जीएसटी पे आएगा सोसाइटी पे भी जीएसटी आएगा आई होप इवन उन्होंने गवर्नमेंट को नहीं छोड़ा अगर गवर्नमेंट ऐसी कोई बिजनेस एक्टिविटी करती है क्या कहा मैंने बिजनेस एक्टिविटी करती है तो गवर्नमेंट पे भी जीएसटी सब्जेक्ट टू सर्टन एक्समशन कुछ एक्सम्शन है उससे रिलेटेड पर अभी ब्रॉड सेंस में तो ये समझ लेना कि गवर्नमेंट खुद से ही टैक्स लेती है गवर्नमेंट क्या खुद से ही टैक्स लेती है लोकल ऑथॉरिटी कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रही है अभी ये सामने तीन होर्डिंग्स है लोकल ऑथॉरिटी के पुणे म्युनिसपल कॉर्पोरेशन के और वो तीन होर्डिंग पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बिजनेसमैन वाले को रेंट पे दे रही है

समझ में आए क्या गवर्नमेंट रेवेन्यू अकाउंट के सबके लेजर अलग अलग रहते हैं जीएसटी का पैसा कहां यूज करना उसके अलग अप्रोच होता है तो एक चीज ध्यान में रखो गवर्नमेंट ने अपने आप को भी नहीं छोड़ा है आई होप यू अंडरस्टूड नाउ एनी डाउट यस माइक दो माइक दो माइक दो और कहा गए सभी माइक देने वाला हेलो सर हाँ? आपने बोला कॉलेज और स्कूल्स स्कूल जीएसटी नहीं लेते इससे स्टूडेंट से सर लेकिन वो जब आ, कोई असेट लेते होंगे वो तो जीएसटी पे करते होंगे ना सर फिर उनका इनपुट किधर यूज होता होगा सर आ, पहले ते, ते, तेरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर देता हूँ अगर आपका सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम मिलते क्यों सर क्या रीजन है इन द चैप्टर ऑफ आई टी सी अभी इतना ही समझ लगा कि सप्लाई अगर एग्जाम तो आपको आईटीसी नहीं मिलता है। ठीक है हाँ चलो हाँ एक माइक उधर देना स्कूल कोई भी हो पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट सबको एग्जामेशन है स्कूल कोई स्कूल भी हो, माइक, जुड़ा हुआ नहीं हो तो। स्कूल तो सीबीएसई सीबीएसई से नहीं स्कूल उन्होंने भी हो नॉन एफिलियेटेड सबको बेनिफिट दिया है सिर्फ प्राइवेट कोचिंग क्लासेस को दिया थैंक यू ठीक है चलो अब आगे अब रुक जो, रुक जाओ रुक जाओ हम पर्सन की डेफिनेशन छोड़ के बाहर जा रहे हैं ओके okay. बाकी सारे डाउट जब एग्जामेशन आएगा तब देखेंगे इज इट क्लियर ओके चलिए अब ये था पर्सन का डेफिनेशन नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूंगा लेकिन ये कॉन्सेप्ट मुझे अगर आपको लाना है तो नेक्स्ट ट्वेंटी मिनट्स मुझे बैकग्राउंड एक्सप्लेन करना है आर यू रेडी फॉर दैट यस और नौ चला कोई लिखने की जरूरत नहीं है यहां पे जैसा मैं बोल रहा हूं सिर्फ स्क्रीन पे देखो मैं सब लिखा के दूंगा सिर्फ अभी मैं डोर बांध रहा हूं ठीक है ध्यान से देखिए और फिर मैं जीएसटीएन पोर्टल ओपन करूंगा फिर धीरे 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 हम कंसेप्ट में आगे बढ़ेंगे स्क्रीन दिख रही है आपको स्क्रीन पे देखो सभी ठीक है नाउ यहां पे एक सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विस है कोई ट्रेडर है मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर ओके सर्विस प्रोवाइडर है इस मंद का एक अप्रैल से लेकर थर्टी अप्रैल तक का उसका आउटवर्ड सप्लाई है वो बिल बना रहा है यहां पे उसके समझ लो अज्यूम करो कि इस मंथ के चार कस्टमर है कस्टमर तो हजारों हो सकते हैं अभी समझने के लिए हम लेते हैं इस मंथ के क्या चार कस्टमर हैं। पहला बिल बना टैक्स इनवाइस इमेजिन करो टैक्स इनवाइस कुछ याद आया सप्लायर का जीएसटीएन का जीएसटीएन कुछ याद आया हाँ बोलो नालायक लायको जोर से बोलो हाँ तो पहला इन्वाइस बना जिसमें वैल्यू इंट्रा रेट सप्लाई था इसलिए सी जी एस जीएसटी ट्वेल्व परसेंट रेट था उसके बेस पे हमने जीएसटी कैलकुलेट कर लिया पहले कस्टमर को माल बेचा पहले बंदे को सर्विस प्रोवाइड की समझ लो अब अभी जब तक मैं मैं थ्रेशोल्ड बीच में ना लाऊ तब तक ये समझ लेना कि ये बंदा थ्रेश वाला नहीं है नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है समझ मतलब रजिस्टर्ड है जीएसटी दे रहा है इज इट क्लियर थ्रेश नहीं लाना बीच में नहीं तो कॉन्सेप्ट खुद ही डिस्टर्ब कर दोगे थ्रेशोल्ड मैं लाऊगा क्लियर तो अब पहला बिल हो गया उसका दूसरा बिल गया जीएसटी दो पहले ट्रांजेक्शन इंट्रा है तीसरे कस्टमर को माल बेचा या सर्विस दी क्या इंटर है कोई बारह परसेंट का गुड्स है कोई अठारह परसेंट का गुड्स है कोई पांच परसेंट का समझ में आया क्या और च, च, वापस इंटरेस्टेड सप्लाई हुआ अब गवर्नमेंट क्या कहती है प्रोसेस पूरी अच्छे से समझ लेना मैं ये पूरा जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपसे ड्रॉ करवा लूंगा अभी सिर्फ फ्लो समझ लो जो भी सप्लाई आपने फर्स्ट अप्रैल से तीस अप्रैल रात को ग्यारह बज के फिफ्टी मिनट तक किए 59 नाइन मिनट फिफ्टी सेकंड तक समझ में आया जो भी सप्लाई आपने एक अप्रैल से तो तीस अप्रैल के रात को बारह बजे के पहले किए वो सारे सप्लाई का टैक्स आपको दिया जाएगा एक साथ देना पड़ेगा इन शॉर्ट कुछ इनमेच्योर स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूं आपको जो मंथली फैसिलिटी मिलती है वो ट्रांजेक्शन वाइज नहीं मिलती है मतलब क्या पहला ट्रांजेक्शन पांच को हुआ पांच से पांच फिर दस से दस फिर ऐसा नहीं होता है मंथली मतलब क्या होता है एक तारीख से लेके तीस तारीख तक बारह बजे के पहले जो भी तुमने इनवॉइस जनरेट कर लिए इनवॉइस जनरेट कर लिए उसका टैक्स आपको देना पड़ता है यहां तक सबको क्लियर वेरी गुड स्टेप नंबर वन इज क्लियर अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो सप्लायर है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है जिसका जीएसटी है ठीक है वो एक वेबसाइट पे जाएगा जिस वेबसाइट का नाम होगा यहां पे डब्ल्यू 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 डॉट जीएसटी डॉट जीओवी डॉट इन ठीक है मंथ होने के बाद ओके पोर्टल पे आ रहे हम यहां पे लॉग इन करेगा अब ये लॉग इन जब वो जाएगा मैं मैं करूंगा लॉग इन यहां पर जब लॉग इन में जाएगा तो ये उसको यूजर आई डी और पासवर्ड मिलता है ये यूजर आई डी और पासवर्ड तब मिलता है आपको जब आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपको आर सी आती है आर सी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तब आपको आपके मेल पे आपका यूजर आई डी एज वेल एज आपका पासवर्ड मिल जाता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन में आपको आपका मेल आई डी देना पड़ता है ये समझ में आए क्या फिर वो बंदा इस यूजर आईडी और पासवर्ड में जाएगा और पोर्टल में एंटर करेगा ये इसको कहा जाता है जीएसटीएन जीएसटी तीन नहीं जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जाओ पढ़ो मैंने क्या बोला जीएसटीएन का मतलब पहले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने कहा बाद में पढ़ाओगा। जीएसटीएन जाओ 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 किधर ध्यान होता है आपका मैंने पढ़ने पढ़ते भी नहीं हो यार मैंने पढ़ाने के बाद ओके गुड्स एंड सर्विसेज क्या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क पेज नंबर टेन सॉरी सिक्सटीन पे दिखेगा आपको गुड्स एंड सर्विसेज वहां एक वर्ड नहीं आया टैक्स टैक्स वर्ड ऐड कर देना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या नेटवर्क जी एस टी आई एन नहीं जीएसटी अलग और जीएसटीएन अलग ये है जीएसटीएन ये वेबसाइट है जीएसटीएन और जीएसटी जीएसटी मतलब आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर समझ में आया कि नहीं आया चलो आगे बढ़ते हैं यहां पे ओके जीएसटीएन इनवाइस नंबर नहीं होता है नालायक ये पोर्टल का नाम जीएसटीएन इस पोर्टल को जीएसटीएन बोलते हैं कुछ भी मन में बक देना ठीक है तो ये जो पोर्टल है ना गवर्नमेंट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये पूरा नेटवर्क बना के रखा है गवर्नमेंट ने समझ में आया क्या पूरा पूरा नेटवर्क बना के रखा हुआ है जो भी करना है इस पोर्टल के थ्रू करना है देन वापस मैं अपने इस पे आता हूं आपका यहां पे अवेयरनेस और इनसाइट इतना बड़ा दूंगा ना आज सिर्फ आप ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा हूं हर स्टेटमेंट पे ध्यान रखना ठीक है इन जीएसटी इसके बाद में अब गवर्नमेंट क्या कहती गवर्नमेंट कहती है कि जो आपने सप्लाई किए है वो सप्लाई का पहले तो हमें एक स्टेटमेंट दो पहले तो हमें क्या स्टेटमेंट दो जो भी आपने किया इंडिया में सेल्फ असेसमेंट है इंडिया में सेल्फ असेसमेंट है मतलब जो टैक्स पेयर है उस टैक्स पेयर को अपना सारा डेटा गवर्नमेंट को खुद होके देना पड़ता है ये समझ में आया ना खुद होके गवर्नमेंट नहीं आप खुद ये डेटा दोगे डेटा जब आप खुद होके दोगे ओके तो इसका आपके सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई का आई रिपीट द वर्ड क्या कहा मैंने आउटवर्ड सप्लाई का एक अप्रैल से तीस अप्रैल तक का एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है और वो स्टेटमेंट को कहा जाता है जीएसटीआर वन वो स्टेटमेंट को कहा जाता है जीएसटीआर वन क्लियर जीएसटीआर वन ये आपका रिटर्न है या आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट है आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट है। जीएसटी आर वन ओके यहां पे अगर हम ओपन करने जाए चलो पहले मैं आपको फ्लो बता देता हूं फिर ओपन करता हूं पोर्टल और पोर्टल पे फिर मैं कनेक्ट करके देता हूं ये समझ में आया ना तो ये जीएसटी आर वन आपको जो है आपके हंड्रेड सप्लाई हुए तो हंड्रेड की डिटेल्स आपके अगर यहां पे इस मंथ में वन थाउजेंड एडमिशन हुई होगी तो वन थाउजेंड की डिटेल्स अरे समझ में आया क्या उसमें भी बी टू बी अलग टू सी अला अब इसमें वो क्या कहते हैं थोड़ा आप कॉमन सेंस से बताओ बी टू बी जब आप जीएसटी आर वन में डिटेल दोगे बी टू बी की जीएसटी देखना मैं वापस और आपको इनवाइस बताऊंगा अब ये जब आप बी टू बी समझ लो एक ये बी टू बी बना इनवाइस दिख रहा है आपको बी टू बी बना तो बी टू बी जब आप अपलोड करोगे डेटा सोच के बताना किसमें आप लोग कौन से फॉर्म में अपलोड करोगे जीएसटी आर वन यहां से इस इनवाइस से एक्सेल बनाओगे एक्सेल में लिखोगे हाँ एक्सेल में कॉलम बनाओगे उस कॉलम में लिखोगे सप्लायर अरे है ना उसका जीएसटी रिसिपियन उसका जीएसटी अरे है ना उसके बाद में आपका जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ गुड्स टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सी एंड एस ये डेटा आप उसमें लिखोगे गवर्नमेंट कहती है जो भी इनवाइस बने वो पोर्टल पे अपलोड करो इन फॉर्म जीएसटी आर वन इन फॉर्म क्या जीएसटी आर वन कैसे अपलोड होगा बता दो बता दो अभी से मैंने पोर्टल स्टार्ट किया भाई अगले चालीस दिन पोर्टल से ही कनेक्टेड रहूगा डोंट वरी फॉर दैट क्लियर तो अब ऐसे सिचुएशन में यहां पे मेजर आपको आपका जीएसटी रिसिपियन का जीएसटी समझा नहीं समझा रिसिपियन का जीएसटी प्लेस ऑफ सप्लाई क्योंकि इसके बेस पे आईजीएसटी का वाइप्रिकेशन है समझ में आया क्या टोटल वैल्यू आई रिपीट टोटल वैल्यू एन्यूवर सी जीएसटी एस जीएसटी एंड आई जीएसटी जो भी होगा ये आपको अपलोड करना पड़ता है और कहा अपलोड करना पड़ता है बेटा कौन से फॉर्म में एक बार फिर से जोर से बोलो 1 में, okay, 1 में अपलोड करना पड़ता है यह सारा डिटेल अब देखो अगर आप लॉ मेकर होते तो समझ लो मेरे इस मंथ में पचास ट्रांजेक्शन बी टू बी है और दो सौ ट्रांजेक्शन मेरे जो है बी टू सी है मेरे साथ तो ऐसा बहुत सी बार होता है जैसे मैं यहां पे कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के स्टूडेंट को दे रहा हूं तो बी टू बी देता हूं क्योंकि बिलिंग कंपनी पे जाता है अरे है ना आपको दे रहा हो तो क्या बी टू सी है तो मुझे बताओ बी टू बी के हर एक इन्वाइस अपलोड करना और बी टू सी के हर एक इन्वाइस अपलोड करना यानी सबके एक एक इन्वाइस अपलोड करना एक एक इन्वाइस अपलोड करना मतलब एक एक इन्वाइस का डेटा अपलोड करना ये रीजनेबल होगा या सिर्फ बी टू बी के ही रीजनेबल रहेगा क्यों बी टू बी के रीजनेबल रहेगा क्योंकि पता है क्या बी टू बी जीएसटीएन टू जीएसटीएन है अरे है ना बी टू सी का डेटा वो आपको एक एक इन्वाइस का नहीं देखो तो इमेजिन करो यहाँ अगर बी टू सी का डेटा एक साथ अपलोड करना रहा मुझे आपके हर स्टूडेंट का नाम बहुत सारे स्टूडेंट तो नाम भी ढंग से देते नहीं है समझ में आ रहा किराना शॉप में बी टू सी एक बच्चा चॉकलेट रुक जा बेटा रुक जा तेरा नाम क्या है ओके <laughs> okay, एक एक डिटेल में बी टू सी की देते बेटा तो तेरा नाम क्या है वो बोलेगा मम्मी बता तेरा नाम क्या है बता अरे आया ना वो बोलेगा मम्मी मुझे बता तेरा नाम क्या तो क्यों क्योंकि मुझे इनवॉइस में लिखना है फिर वो बच्चे को बोला चॉकलेट जो खरीद रहे तेरा जीएसटी है अरे वो छोड़ दो यार तुम यहाँ पे समझ लो एक बड़ा बड़ा पाव वाला है बड़ा बड़ा जिसका टर्न ओवर बीस लाख के ऊपर है तुम बड़ा खाओ खाने गए बता तेरा दाम क्या है मुझे टैक्स इनवाइज बनाना है समझ में आया क्या इन शॉर्ट इन शॉर्ट गवर्नमेंट को पता है कि बी टू सी के केस में सामने वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है बी टू बी में सामने वाले का बड़ा इंटरेस्ट होता है क्योंकि उसको क्रेडिट चाहिए आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं बी टू बी में सामने वाले का बहुत कौर इंटरेस्ट रहता है क्यों कौर इंटरेस्ट रहता है क्योंकि उसको क्रेडिट चाहिए भाई मैं अगर सही ढंग से डेटा नहीं दूंगा तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा बी टू सी में आपको क्या इंटरेस्ट कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है ओके okay, बस वाह वड़ा पाव वा, खा लो बात खत्म। सीसीडी में कॉफी पी लो बात खत्म। समझ में आया क्या तो इन शॉर्ट जब आप जीएसटीआर वन में डेटा देते हो तो मैं कैसा देता हूं डेटा देखो जो बी टू बी है उसके एक्सेल बनाता हूं और इनवाइस नंबर के साथ मुझे इनवाइस नंबर भी देना पड़ता है तो ये इनवाइस नंबर है ये मेरा जीएसटीएन ये रिसिपियन का जीएसटीएन ये वैल्यू ये सी जीएसटी एस आई प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई नाउ सेकेंड रो ओके इन एक्सेल फिर मैं वो पूरा डीट लिखता हूं थर्ड रो इन एक्सेल टू बी बी टू सी में ऐसा नहीं करता बी टू टी बी सी में टोटल कलेक्शन बी टू सी में इनवाइस में इंडिविजुअल दूंगा आप सबके पास वी स्मार्ट की रिसिप्ट है लेकिन जब मैं डेटा गवर्नमेंट में दूंगा तो वो डेटा जो दूंगा वो कंसोलिटेड दूंगा आई रिपीट द वर्ड एक नया वर्ड पिक्चर में आया क्या कंसोलिटेड। जी समझा क्या तो कंसोलिटेड आएगा तो अब मैच्योर हो जाना ओके okay, मुझे बताओ आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट कौन से फॉर्म में जाता है जीएसटी आर वन उसमें बी टू बी इन क्या ईच अपलोड होते हैं ईच डेटा अपलोड होता है बी टू बी बी टू सी ट्रांसोलेटेड आता है क्लियर आगे बढ़ो हाँ तो चलो अब ये जो है ये डिटेल मैं जीएसटी आर वन में दूंगा ओके okay, यहां पे और बहुत सारी डिटेल्स है लेकिन शुरुआत यहां से करते हैं हर चैप्टर की डिटेल्स जीएसटी आर वन में कैसी जाएगी मैं बताऊंगा आपको अभी तो अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ डेफिनेशन पे हम समझ में आए क्या तो अब यहां पे जीएसटी आर वन में अब गवर्नमेंट क्या कहती है ये जो जीएसटीआर वन है जिसमें आप सिर्फ आप सिर्फ अरे है ना तो आप सिर्फ जो है डेटा आपके आउटवर्ड का दे रहे हो आपके क्या आउटवर्ड का दे रहे हो ये डेटा अगले महीने के 11 तारीख तक सबमिट हो जाना चाहिए सर फिर वो 20 क्या था 20 रिटर्न था नहीं समझा नहीं नहीं एक बार मेरे साथ एक बार फिर से बोलो जीएसटी 1 अगले महीने के सप्लायर ने 11 तारीख तक सबमिट करना चाहिए जीएसटी GSTR-1 रिटर्न है या स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाय स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाय ओके मतलब गवर्नमेंट कहती है वो तेरा नेट टैक्स आईटीसी सब बात में पहले तो बता धंधा कितना किया पहले तो बता क्या वो आईटीसी कितना लेगा नेट कितना पेबल एंड क्या वो सब बात में पहले आउटवर्ड बता दे कितना धंधा हुआ और वो वो कौन से फॉर्म में जाएगा जीएसटी आर वॉट इज द ड्यू डेट ऑफ जीएसटी अलेवन क्या नेक्स्ट मंथ अच्छा एलेवन मंथ तो में हम डेटा ग्यारह मई तक का देंगे या एक अप्रैल से एक अप्रैल से थर्टी अप्रैल मतलब ग्यारह तारीख लास्ट डेट है तुम एक मई को भी दे सकते हो दो मई को भी दे सकते हो गवर्नमेंट ने ग्रेस पीरियड दिया है ग्यारह इंडिया में आदत है वो ग्यारह को ही देगा उसके पहले नहीं देगा पर एलेवेंथ ये फिक्स डेट है या लास्ट डेट है लास्ट डेट है उसके पहले भी आप दे सकते हो जैसा मेरा जनरली फोर फिफ्थ को चले जाता है जीएसटीआर में समझ में आया क्या तो यहां पे मैंने सबको ट्रेन करके कर रखा हुआ है अब फोर फिफ्थ भी चार पांच दिन में क्यों लग जाता है फेस टू फेस बैच ऑनलाइन बैच सेंटर बैच अरे है ना सबका डेटा आने में टाइम लग जाता है ये समझा गया क्योंकि हम लास्ट डेट मेरा टीम जो है फटाफट को जैसी तीस तारीख होती है एक तारीख को सबसे कोऑर्डिनेट करता है ओके okay, आपके बिलिंग भेजो समझ में आया ओके okay, सब डेटा जो है कलेक्ट करने में टाइम लग जाता है तो अगर मेरे ट्वेंटी फाइव ब्रांचेस होगी तो सब ब्रांच मुझे रिपोर्ट करते हैं ई आर पी सॉफ्टवेयर होगा तो इमीजिएट हो जाता है ई आर पी सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो मेल पे आता है और वो सबको कंसोलिडेट करके फिर मैं डेटा अपडेट करता हूँ कौन से फॉर्म में अपडेट करता हो जी गवर्नमेंट ने इसको लिए ग्यारह दिन दिए है ग्यारह दिन दिए सर अगर एलेवन को नहीं दिया समझ लो कोई बहुत ही जी का नहीं दिया ग्यारह तारीख तो ओके हाँ इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रखना सर ऐसा नहीं किया तो वही क्लाइंट आता है सर भूल गया आप बताओ और वहीं फीस मिलती है समझ में आया क्या तो नहीं दिया तो लेट फी लगती है ओके और पेनल्टी भी लगती है आपको ग्यारह तारीख तक अगर आपने नहीं दिया ओके रुक जा जीरो सप्लाई होगा तो भी देना पड़ता है आगे में तो हां नील होगा तो भी देना पड़ता है नील जीएसटी आर वन देना पड़ता है आगे हम बात करेंगे ठीक है चलिए यह बात हुई क्या जीएसटी आर वन की अब मैं अपने परचेस साइट पे यह मेरी कौन सी साइट थी सेल साइट सेल साइट अब मैं मेरे परचेस साइट पे आता हूं थोड़ा फ्लो को समझ लेना परचेस साइट पे आता हूं समझ लो वी स्मार्ट अकेडमी वी स्मार्ट अकेडमी ने एक्सवाई जेड से ओके परचेस का एक बिल आया एक्सवाई जेड से कैमेरा खरीदा क्या, अरे कैपिटल गुड्स के आईटीसी मिलते हैं क्या कैपिटल गुड्स के आईटीसी मिलते हैं कोई ना बोल दे ना दो खींच के नहीं दिया ना उसको मैंने मिलता है ना कैपिटल गुड्स के वन टू वन को रिलेशन इज नॉट नेसेसरी एज वेल एज कैपिटल गुड्स इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज़ क्या तीनों के क्रेडिट मिलते हैं हाँ मिलते हैं बोलो नालायक हाँ बोलो जो ऑनलाइन कनेक्टेड है ठीक है ना बोलना ना तो खुद ही मारना अपने आप को खींच के ठीक है तो अब यहाँ पे एक्सवाइज एड से मैंने कैमरा खरीदा पी क्यू आर लिमिटेड से मैंने सर्विस खरीदी इंटरनेट सर्विस एडिटिंग सर्विस कोई मेरी फैकल्टी है या फिर ये मैन्युफैक्चर होगा तो एक ओके ओ, या, ये ट्रेडर है इलेक्ट्रॉनिक शॉप शॉप है सैमसंग के कुछ आइटम्स रखे उनका बिल आया अरे और नो सैमसंग होगा एल होगा ब्ला ब्ला समझ में आया क्या अब मुझे ये बताओ अब इमेजिन करना जब सप्लायर ने सप्लायर कौन था एक्स वाई जेड जब सप्लायर ने इस बंदे को माल बेचा होगा तो उसका आउटवर्ड सप्लाई होगा और ये बी टू बी है आया ना उसका अगर आउटवर्ड सप्लाई होगा तो उसने एक फॉर्म में अपडेट किया होगा उसने कौन से फॉर्म ने अपडेट किया होगा जीएसटी आर वन में अपडेट किया होगा पोर्टल पे जाके उस जीएसटीआर वन में उसने उसका जीएसटी इन दिया होगा और रिसिपियन का भी जीएसटी इन दिया होगा यानी पोर्टल पे रिसिपियन का जीएसटी इन अपडेट हुआ है आया ना तो अब आपको बताता हूं जैसे वो उसका जीएसटी आर वन देगा और इस कस्टमर का जीएसटी इन अपडेट करेगा कि इस कस्टमर के जीएसटीएन पे मैंने एक लाख का माल बेचा है जिसमें सी जी एस टी और एस जीएसटी छ छ हजार है सिक्स थाउजेंड सिक्स थाउजेंड ये समझ में आया तो अब हमारा पोर्टल क्या कहता करता है यही तो कहते हैं नेटवर्क हमारा पूरा ए आई यूज हो रहा है भैया पूरा ए आई यूज हो रहा है जीएसटीएन पोर्टल के लिए तो अब हमारा पोर्टल क्या करेगा पता है क्या पोर्टल सोचेगा समझेगा कि ये सप्लायर ने एक लाख का गुड्स किसको भेजा है हमारे रजिस्टर्ड पर्सन को भेजा है कितना सी है सिक्स थाउजेंड और कितना है सिक्स थाउजेंड ये जो है उसको दिख गया कि हमारे आरपी का जीएसटी ने तो ये छह हजार छ हजार वो हमारे रजिस्टर्ड पर्सन का खुद ही ऑटो अपडेट क्या कहा मैंने ऑटो अपडेट एक, एक फॉर्म बनाएगा जीएसटीआर टू बी एक फॉर्म बनाएगा क्या जीएसटीआर आर टू बी और वो टू बी में ओके डिटेल्स ऑफ इनवर्ट सप्लाई एंड आईटी आईटी मतलब क्या इनपुट टैक्स इज ऑटो पॉपुलेटेड इन जीएसटीआर एस टू बी ये समझ में आया क्या मतलब इस बंदे के टू बी में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस बंदे के क्या टू बी में अब वो भी पोर्टल पे मेंटेन होता है टू ए नहीं अभी हम टू बी पे फोकस करेंगे में फोकस हो जाता है कि भाई इस बंदे से इतना खरीदा इतना टैक्स है और ये हमको अपडेट करना पड़ता है या ऑटो अपडेट होता है ऑटो अपडेट होता है कुछ नहीं यार लॉजिक वैसा ही है मुझे बताओ किसी बंदे ने आपके बैंक अकाउंट नंबर पे दस हजार डाले तो आपके अकाउंट में दिख जाते है वैसा ही है किसी बंदे ने छ छ हजार जीएसटी इसके जीएसटीएन पे डाला कौन से फॉर्म के थ्रू डाला जीएसटी आर वन के थ्रू अपडेट किया तो इसके टू बी में आ जाता है टू बी इज द बेस्ट डॉक्यूमेंट फॉर टेकिंग आई टीसी कमाई रिपीट एक बार फिर से करता हूं टू बी इज दूमेंट फॉर टेकिंग क्या आई टी सी आगे धीरे धीरे बताऊंगा मैं आपको गवर्नमेंट उसी परचेस का आई टी सी देगा जो आपके टू बी में दिख रहा है वो जुनोइन परचेस मानी जाती है वो क्या जुनोइन परचेस मानी जाती है ठीक है तो वो यहां पे यहां पे आई रिपीट वो यहां पे जुन परचेस मानी जाती है इन शॉर्ट कई फेक बिल नहीं कई डमी बिल नहीं इट इज परचेस समझ में आ रहा है हाँ जो भी प्रोनाउंसिएशन आपको करना है। मेरा बचपन से वो वर्डेट बैठा है ओके okay, तो बाकी आपको जो प्रोनाउंसिएशन करना है करे मैं अपना नेचुरल वे से जाऊँगा ठीक है <laughs> तो तो यहां पे चलो एक दूसरा वो ऑथेंटिकेटेड परचेस मानी जाती है ठीक <laughs> है ना तो अब ऐसे केस में शुक 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 उठा भाई उसको हाँ तो ये जो आपने यहां पे जनन परचेस किया ऑथेंटिकेटेड नहीं तो लोग क्या करते बताए क्या अगर ये ऐसा पोर्टल नहीं करता सुनो अगर ऐसा पोर्टल नहीं करता तो लोग खुद ही परचेस बिल बनाते आज परचेस बिल बनाना कौन सी बड़ा बात है फोटोशॉप में जाओ किसी का बिल का फॉर्मेट कॉपी करो अपने नाम का बिल बना लो और बता दो परचेस किया क्रेडिट ये क्रेडिट के स्कैम ऐसे तो हुए हैं नहीं है कि लोगों ने डमी और फेक इन्वाइस बनाया और क्रेडिट लिएचेस बता के समझ में आए क्या अब बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चालू हो जाके रुक जाना आगे आगे देखो क्लियर अभी तो अब गवर्नमेंट आप पे भी, आपके बिल पे भरोसा नहीं रखेगी आप कहोगे कि सर मेरे पास है ना उस बंदे का? अब एक प्रैक्टिकल की स्टडी थोड़ा समझने की कोशिश करना उससे और आसान होगा समझना सभी का ध्यान है कुछ दिन पहले की बात है ये फैन मैंने खरीदा अब ऑनलाइन वाले सब इमेजिन करो फैन है और मैंने स्पेशली ओके okay, राजेश को बोला कि राजेश ये फैन खरीदते वक्त हमारे कंपनी के जीएसटी पे लेना बिल क्यों जो फैन का सप्लायर है जो फैन का सप्लायर है वो बी टू बी बिल लेना बी टू बी बिल मिलने से जो भी उसका आईटीसी होगा तीन सौ रुपए चार सौ रुपए जो भी होगा ये समझ में आया जीएसटी मुझे आईटीसी मिले मैं तीन सौ रुपए भी छोड़ू यूज इन द बिजनेस समझ में आया कि नहीं तो अब क्या हुआ मैंने राजेश ने मेरे को अकाउंटेंट हमारी टीम को पूछा ओके मेरी टीम ने राजेश को जो है यहां पे जीएसटी नंबर फॉरवर्ड कर दिया कि ये सप्लायर को दे दे स्मार्ट अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड वी स्मार्ट हमारा ब्रांड है स्मार्ट कंपनी का नाम है समझ में आया क्या तो उसमें जीएसटी नंबर सामने वाले ने टैक्स इन्वाइस इमेजिन करना सामने वाले ने बिल दे दिया टैक्स इनवाइस दिया लिख कर दिया टैक्स इनवाइस अब इसके बाद का स्टेप स्टेप प्रैक्टिकली समझ लो सामने वाले सप्लायर ने बिल तो दे दिया था बिल हमारे पास टैक्स इनवाइस आया हुआ था हमारे पोजेशन में था फिजिकल कॉपी लेकिन जब हम हम मतलब वी स्मार्ट, वी स्मार्ट, टू बी देख रहे थे हमारा ऑनलाइन दिखता है टू बता वही बताने वाला हूं ऑनलाइन समझ में आ रहा है जब हमारा टू बी देख रहे थे तो टू बी में ये सप्लायर का ये सप्लायर का डिटेल ही नहीं था तो मेरे अकाउंटेंट ने रिकंसिलेशन किया इस मंथ के परचेज बिल और टू बी में दिखने वाले सप्लायर दि। टू बी में दिखने वाले सप्लायर उसमें ये फैन वाला दिखा ही नहीं अच्छा क्यों नहीं दिखा होगा ये फैन वाला थोड़ा कॉमन सेंस लगा क्यों नहीं दिख रहा मेरे मेरे टू बी में जीएसटी आर टू बी में क्यों नहीं दिख रहा होगा क्योंकि उस सप्लायर ने जीएसटी आर वन दिया नहीं होगा ग्यारह तारीख को या फिर दिया होगा तो मेरा सप्लाई अपडेट करना रह गया होगा दो में से एक मिस्टेक हो सकती है मैं दो मिनट के लिए यहां रुकूंगा जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन कनेक्टेड है जो कह रहा हूं वो समझ में आ रहा है क्या बताओ वेरी गुड आपने पहले आंसर दे दिया उसने जीएसटीआर वन अपडेट नहीं किया ठीक है वेरी गुड समझ में आ रहा है वेरी गुड वेरी गुड ये जो मैं आज जंप ले रहा हूं ना आपके अवेयरनेस की इन जीएसटी वो बड़ी जंप है okay, अगर आपका ध्यान रहे ना तो आगे कॉन्सेप्ट बहुत इजी होने वाले हैं। अब देखो यहां पे सामने वाले सप्लायर ने जीएसटी नहीं दिया होगा सॉरी जी सर जीएसटी नहीं जीएसटी आर वन नहीं दिया होगा या फिर ल, लेट फाइल करने वाला होगा या फिर मेरा उसके जीएसटी आर वन में मेरे इन्वाइस की अपडेशन भूल गया होगा बी टू बी की समझ में आया क्या तो अब मैंने रियली कॉल करवाया टीम से उस बंदे को मुझे लगा कोई फ्रॉड वाला तो बंदा नहीं है क्योंकि अब हुआ क्या था जब उसने फैन हमको हैंड ओवर किया अब ध्यान से सुनना जब उसने फैन हमको हैंड ओवर किया जब बिल दिया ओके बिल देते वक्त पैसा तो पूरा ले लिया उसने एक हजार का फैन है समझ लो प्लस जीएसटी एटीन परसेंट ग्यारह सो अस्सी रुपये पूरा ले लिया उसने मतलब मेरे जेब से पैसा उसको गया पर मैं ये इसमें कि भाई मुझे क्या मिल जाएगा वन एटी रुपीज का वन एटी रुपीज का क्या मिल जाएगा क्रेडिट पर अपडेट ही नहीं हो गया मैं डर गया मतलब छोटा अमाउंट था आपको बता रहा हूं बड़े अमाउंट में तो डर जाता है आदमी क्यों डर जाता है पैसा गया और क्रेडिट भी नहीं मिला औके क्रेडिट भी नहीं मिला और पैसा तो पहले ही ले लिया उसने तो मैंने टीम से हमारा रिकंसिलेशन होता है मंथ का सारे फिजिकल इनवाइस या पीडीएफ कॉपी ऑफ और टू बी मैच होता है ओके और हर मंथ में तीन चार इन्स मिल जाते हैं कि टू बी में नहीं दिख रहे टू बी में नहीं दिख तो उन सप्लायर को हम कॉल करते हैं उन सप्लायर को पूछते हैं कि भाई क्या हो तुमने जीएसटी आर नहीं दिया बुला 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 ओके तो वो बोलता है कि मिस्टेक हो गई अगले इसमें आ जाएगा अगले इसमें आ जाएगा अब हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है हमारी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है इवन दो तुम्हारे पास फिजिकल इनवॉइस हो गए इवन दो वैलिड इनवॉइस हो गए इवन दो ऑथेंटिकेटेड इनवॉइस या जेन इनवॉइस हो गए समझ में आया क्या लेकिन लेकिन हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे जब तक आपके टू बी में अपडेट नहीं होता है। समझ में आया? जब तक आपके टू बी टू बी इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑन द पोर्टल

वो सब आप अप अपने जीएसटी आर वन दे रहे हैं और वो जो अपने अप जीएसटी आर वन देंगे उसके बेस पे मेरा टू बी ऑटो पॉपुलेट होगा ये समझ में आ रहा है मेरा टू पो बी क्या ऑटो पॉपुलेट होते जाएगा और वो टू बी जो होता है उसके बेस पर मैं क्या क्लेम करूंगा आई टी सी इनपुट टैक्स क्रेडिट ठीक है तो अब थोड़ा कॉमन सेंस से बताना अगर मेरे साथ लिंक हो तो मेरा टू बी पूरा अपडेटेड मुझे कब मिलेगा मेरा अपडेटेड टू बी कब मिलेगा मुझे अगले महीने के 11 तारीख के बाद क्यों 11 तक तो सप्लायर को टाइम है ना कोई सप्लायर पांच को दे रहा है कोई सप्लायर छह को जीएसटी और वन दे रहा है कोई सप्लायर ग्यारह को जीएसटी तो कंप्लीट अपडेटेड मेरे को टू बी मेरा टू बी मेरे पोर्टल में टू बी देखिएगा मैं पोर्टल ओपन करके आपको दिखाऊंगा ठीक है रिटर्न इनवाइस हो या कोई भी इनवाइस हो हाँ हैंडमेड हो या कंप्यूटर मेड हो आपको इनवाइस मुझे बताओ प्लीज एक बार समझ लो इनवाइस अपलोड करना पड़ता है कि का डेटा अपलोड करना पड़ता है अपलोड करना पड़ता है समझ में आया क्या इनवाइस के डेटा से एक्सेल बनानी पड़ती है और वो एक्सेल अपलोड करनी पड़ती है ये समझ में आया क्या तो डेटा अपलोड करना पड़ता है तो वो रिटर्न हो हैंड रिटर्न हो हैंड रिटर्न हो कंप्यूटर मेड हो उससे कोई लेना देना नहीं है बस आप वो डेटा अपलोड करो आई होप यू अंडरस्टूड चलिए ना अब ये जो टू बी मेरा आया यहां पे ग्यारह के बाद मैं अपना रिकंसलेशन ग्यारह के बाद करता हूं इसलिए तो बेटा हमको रिटर्न की डेट क्या दी है बीस तारीख क्यों बीस तारीख दी है ग्यारह तारीख तक मेरा आउटवर्ड जाएगा ग्यारह तारीख तक तो मेरा आउटवर्ड जाएगा।, तो आउट जाएगा समझ में आया क्या ग्यारह तारीख के बाद टू भी अपडेटेड मिलेगा फिर मेरे को मर्च करना है दोनों को दोनों को मर्च करना पड़ अब क्या होगा अब बेटा ये मेरा आउटवर्ड, ये मैंने धंधा किया ये मेरा क्या आईटीसी, जो टू बी में आया इंपोर्ट्स, कैपिटल गुड्स एंड इंपोर्ट, सर्विसेज, ये समझ में आया क्या और ये जो आईटीसी है अब मैं ओके okay, एक स्टेटमेंट बना के स्टेटमेंट तो सिर्फ सिर्फ एक ओके जीएसटीआर थ्री बी का पैच है स्टेटमेंट कैसे तो अभी तक जो मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट आउटवर्ड सप्लाई ओके थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स समझ में आया क्या टैक्स ऑन ओके थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स मतलब टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाय ना टैक्स ऑन क्या आउटवर्ड सप्लाई लेस आई ये अब मैं कैलकुलेट करके एक फॉर्म में मेरी नेट जीएसटी लाइबिलिटी निकाल के दूंगा और वो नेट जीएसटी लाइबिलिटी कौन से फॉर्म में जाती है जिसको कहा जाता है रिटर्न जिसको कहा जाता है क्या रिटर्न तो वो रिटर्न होता है जीएसटी आर थ्री बी जीएसटी आर थ्री बी अंडरस्टूड जस्ट मिनट तो थ्री बी आपके आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट है या नेट लाइबिलिटी कैलकुलेशन नेट लाइबिलिटी कैलकुलेशन समझ में आया क्या तो एक बार फिर से हो जाए वॉट इज विच इज द आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट इसके आगे प्लीज मेरा क्लास होने के बाद जीएसटी आर वन को रिटर्न मत बोलना डे टू डे लैंग्वेज में ठीक है पर अगर आप एक्सपर्ट हो तो रिटर्न नहीं क्या है ये स्टेटमेंट कौन से डेट को जाएगा कौन सी डेट को जाएगा ग्यारह तारीख को जाएगा ग्यारह तारीख को जाएगा ओके okay. अच्छा टू बी फाइल करना पड़ता है या ऑटो अपडेट होता है और वन फाइल करना पड़ता है वन फाइल करना पड़ता है टू बी ऑटो अपडेट होता है समझ में आया क्या अच्छा ये जीएसटी आर वन और टू बी हमको दोनों हो गया मिल गया क्रेडिट फिक्स हो गए क्रेडिट फिक्स होने के बाद क्या अब मुझे नेट टैक्स लाइबिलिटी निकाल के गवर्नमेंट को देना है वो कौन से फॉर्म में फाइल करूंगा फाइल करूंगा वो फॉर्म होगा जीएसटी आर थ्री बी बाकी मैं बाद में पढ़ा होगा ये फ्लो समझ में आया माइक देना प्लीज इधर हाँ, क्या डाउट है आपने बोला कि अगर बी टू सी है तो उसके वैल्यू लेंगे और फिर वो अपडेट करेंगे टैक्स भी टोटल रहे हाँ, टैक्स भी भी टोटल टोटल बट, हाँ. बट अगर कोई बिजनेस है जो सिर्फ बी टू बी डील कर रहा है तो अपलोड करेगा सब एक्सेल में सारी सीरीज बनाता है फ्रेंचाइजी को बिल जाते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को बिल जाते हैं मेरी कंसल्टेंसी का बिल जाता है मेरी सीरीज है ओके okay, इस मंथ में मैंने 140 इनवॉइस चालीस बी में एक एक इनवॉइस की डिटेल्स दी है 140 और जिसका बिजनेस तो टोटली बी है होलसेलर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर बी है वो तो हजार भी होगा ना तो वो तुम्हारी एक्सेल शीट में हजार दिखते हैं सीरीज वाइज रहता है पूरा समझ में क्या बी टू बी का ईच एंड एवरी इनवाइस का डेटा अपलोड होगा क्योंकि तू कॉमन सेंस लगा तूने अगर कंसोलिडेट दिया तो ये में कैसे अपडेट करेगा? क्योंकि इस पोर्टल को समझ में इस पोर्टल को अगर रिसिपियन के टू बी में अपडेट करना है तो इस सॉफ्टवेयर को रिसिपियन का जीएसटी मिलना जरूरी है समझ में क्या इस सॉफ्टवेयर को रिसिपियन का ये, क्योंकि सब जब तक सप्लायर रिसिपियन का जीएसटी नहीं देगा ये ऑटो अपडेट ही नहीं कर पाएगा ये ये समझाया नहीं समझा ये कॉमन सेंस लॉजिक है इसलिए टू बी तुमको एक एक अपलोड करना पड़ता है क्योंकि सबका जीएसटी देना पड़ता है और बी टू सी होगा तो कंसोलेटेड जाता है समझ में आया क्या चलो यहां तेरी ये मजा आ रहा है बोर तो नहीं हो रहा है ना बोर बो, बोर भी हो रहा है तो ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास ठीक है बता यह जीएसटीएन पोर्टल है और इस इस पोर्टल पे यहां पे, एक मिनट आप क्या समझे मैं मेरा यूजर आईडी पासवर्ड आपको बता दूंगा चलो लॉग इन हो गया चलिए यह पोर्टल पे मैं लॉग इन हो गया ठीक है अब लॉग इन होने के बाद यहाँ पे अब ये मेरा लॉग है इस पोर्टल पे इसमें अगर राइट साइड में जाके देखो तो यहाँ पे आपको सर्विसेस मिल जाती है सर्विसेस में थोड़ा सिप सिप यहाँ ध्यान रखना सर्विसेस में मैं जाऊं तो पहला मैं ले लूंगा लेजर ओके यहाँ पे पहला मैं ले लेता हूं लेजर यहाँ लेजर में दोस्तों थोड़ा यहाँ देख लो मैं थोड़ा लर्न करो लिख के देखो काम आएगा हमारे लिखो लिखो लेजर के नाम लिखो रफ में लिखो डायरी में लेजर के नाम लिखो रफ में डायरी में ये हमारे काम आएंगे एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर लिखो लिखो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर शॉर्ट में हम उसे ब्रैकेट में लिखो शॉर्ट में हम उसे ब्रैकेट में ई कैश लेजर कहेंगे क्या कहेंगे ई कैश लेजर कहेंगे लेजर में मैं थोड़ा आज गो थ्रू करवा देता हूं पोर्टल का बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले इसमें दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर लिखो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ठीक है शॉर्ट में हम इसे क्या कहेंगे ई क्रेडिट लेजर शॉर्ट में हम इसे क्या कहेंगे रफ में लिखना शॉर्ट में हम इसे कहेंगे ई क्रेडिट लेजर उसके बाद में तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर ये क्या होते हैं हम बाद में देखेंगे ठीक है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर इसे हम कहते हैं ई लाइबिलिटी रजिस्टर इसे हम कहते हैं ई लाइबिलिटी रजिस्टर ठीक है बाकी का इतना इंपॉर्टेंट नहीं पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड समझ लो आपके अगेंस्ट में डिमांड आई कल पता है डिमांड आई थी ऑरपेट कंपनी के अगेंस्ट में याद आया क्या पहले शो कॉज नोटिस फिर डिमांड ऑर्डर तो अगर आपके अगेंस्ट में कोई डिमांड ऑर्डर होगी तो यहां होता है निगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट बनता है एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेडिट रिवर्सल रिक्लेम स्टेटमेंट हाँ ये लिखो ये हमारा आईटीसी में बहुत काम आएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल या रिक्लेम स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल या रिक्लेम स्टेटमेंट रिक्लेम स्टेटमेंट सिर्फ लिख के देखो ठीक है अब मैं ये जो अभी तो सॉफ्टवेयर ही ऐसे बनते हैं जैसे टैली हुआ या ईआरपी कि वो ऑटो अपडेट पोर्टल से ही कनेक्टेड रहते हैं तुमने इधर सेल किया कि वो यूटिलिटी बनाते रहते हैं ठीक है चलो यहां ये यह जो है हमने लेजर में देखा अब लेजर के बाद हाँ यहां है रजिस्ट्रेशन ठीक है रजिस्ट्रेशन में कभी अगर अमेंडमेंट करना रहा एड्रेस बदल गया तुम्हारे रजिस्ट्रेशन का मोबाइल नंबर बदल गया ईमेल आईडी बदल गया तो इस टैब में जाके आपको सारे चेंजेस करने पड़ते हैं ओके okay, फिर पेमेंट हाँ अब ये पेमेंट में ध्यान सुनना पेमेंट में जाने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पेमेंट में जाने के बाद यहाँ पे आता है क्रिएट चालान मैंने चालान पे क्लिक किया अब मंथली पेमेंट समझ लो मैं यहां पे मंथली पेमेंट कर रहा हूं और कोई भी यहां चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस और यहां मैं ये चालान हाँ, हाँ चलो अब ये चालान मेरे सामने आती है इस चालान का नाम है लिखो लिखो इस चालान का नाम है पीएमटी जीरो सिक्स पेमेंट चालान लिखो पीएमटी कैपिटल लेटर पीएमटी जीरो सिक्स पीएम टी जीरो सिक्स लिखा चालान का नाम ओके okay, तो अब इसके आगे कोई भी आपको घर पे बिजनेस होगा और कहेंगे जीएसटी का चालान PMT, PMT. क्या जीएसटी का चालान पीएमटी टी जीरो सिक्स ये चालान क्या होता है कोई भी टैक्स पेमेंट गवर्नमेंट को कैश में नहीं दिया जाता है ऐसा नहीं होता है इस मंथ का आपका टैक्स आया जीएसटी आप गए जीएसटी डिपार्टमेंट में आपने कैश निकाली कैश निकाली ओके ऑफिसर कमिश्नर सामने बैठा है आपने कैश निकाली हाँ बोलो कितना टैक्स है तुम्हारा ओके okay, कितना टैक्स है तुम्हारा ओके कम यहां पे कमिश्नर सामने बैठा है उसके सामने कैश निकाला ओके वन लैख टू लैख थ्री लैक्स फोर लैक्स एग्जाम्पल लो ओके okay, और तुमने पैसा निकाला कमिश्नर के सामने ये लो तुम्हारा टैक्स चलो अरे टिप ऊपर से टिप भी ले लो चलो ऊपर हाँ, से क्या टिप भी ले लो भाई साहब जो टैक्स पेमेंट है ऐसा नहीं होता है नहीं तो कमिश्नर बोलेगा कि ठीक है ठीक है उसने रख लिया हाँ फिर उसने उसने सुन तो सुनो तो उसने रख लिया और रखने के बाद ओके आपका टैक्स अपडेट ही नहीं किया और फिर आपने बोला अरे मैंने दिया था कब दिया था भाई नहीं कौन सा कब मिले थे हम आपको अगर टैक्स देना है तो ऐसे कैश वैश में नहीं दिया जाता है आपको अपने लॉग इन में जाना पड़ेगा लॉग इन में क्रिएट चालान करना पड़ेगा ये चालान क्रिएट होने के बाद ओके आपको क्या करना पड़ेगा बताए क्या कितना सीजीएसटी है इस मंथ का वन टू वन कोलेशन इज नॉट नेसेसरी समझा टोटल मंथ का सीजीएसटी टोटल मंथ का आई जीएसटी टोटल मंथ का जीएसटी शेष और टोटल मंथ का एस आपने जो कैलकुलेट किया है वो इसमें ऐड करो और ये सारा ऐड करने के बाद हाँ अब ये श्य। श्य। ये सारा ऐड करने के बाद ओके यहां पे तीन ऑप्शन दिखे दिख रहे तीन ऑप्शन ई पेमेंट ओवर काउंटर एनी एफ टू कौन सा ऑप्शन लेने वाले हो पहला ऑप्शन ई पेमेंट मतलब क्या जैसे ई e पेमेंट को क्लिक करोगे सुनो 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 टाइम पास नहीं जैसे ई e पेमेंट को क्लिक करोगे समझ में आ रहा है क्या तो ई e पेमेंट को क्लिक करने के बाद आप जो है कनेक्ट हो गए आपके बैंक के यूजर आईडी पासवर्ड से ऑनलाइन पेमेंट समझ में आया क्या ऑनलाइन पेमेंट अब जैसे ही पेमेंट तो आपको बैंक आएगी आपने बैंक सिलेक्ट किया एस बी आई स्टैंडर्ड चार्टर्ड एच डी एफ सी आईसीआई ठीक है जैसे ही वो सिलेक्ट किया नाउ बैंक का लॉग इन पोर्टल दिखेगा उसमें आपको बैंक का यूजर आई डी पासवर्ड डालना पड़ेगा और बैंक का यूजर आई डी पासवर्ड डालने पर ओके वो आपको ऑप्शन देगा टैक्स पेमेंट यस तो जितना जितना आपने इस चालान में टैक्स डाला है उतना अपना अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा समझ में आया है, नहीं आया ओके अकाउंट से डिडक्ट वो हुआ ई पेमेंट ओवर द काउंटर पेमेंट क्या है ध्यान से सुनो मुझे है मैं वापस पढ़ाने वाला हूं पर डोर अभी से बांध रहा हूं so अगर आपका क्लियर है तो आ गया समझना आसान है, आसान है ठीक है दूसरा ओवर द काउंटर ये ओवर द काउंटर क्या होता है सुनो ये ओवर द काउंटर होता है कि समझ लो आपका बैंक में अकाउंट ही नहीं है और आपको जीएसटी देना है ओके okay, या फिर वो बैंक में अकाउंट नहीं है जो बैंक से ये चालान एक्सेप्ट होती है यानी नोटिफाइड बैंक अब देखो भाई इसमें सारी बैंक कवर्ड नहीं है नोटिफाइड बैंक्स होती है ओके okay, जिसमें एच डी एफ सी है लेकिन नोटिफाइड बैंक्स है अगर आपकी यहां पे कोई कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट होगा मगन लाल छगन लाल कोऑपरेटिव बैंक समझ में आया क्या मगन लाल छगन लाल कोऑपरेटिव बैंक अब वो कोऑपरेटिव ऐसी इंडिया में इतनी सारी कोऑपरेटिव बैंक है उसका लिस्ट देते बैठे पॉसिबल नहीं है तो हो सकता है कि आपका वो बैंक में अकाउंट नहीं है जो बैंक से चालान एक्सेप्ट होते ऑनलाइन समझ में आया क्या तो फिर आप ओवर द काउंटर जाके दे सकते हो ओवर द काउंटर मतलब क्या फिर आप जो है चालान यहां से प्रिंट आउट निकालो ये चालान के प्रिंट आउट लेके बैंक में जाओ जो नोटिफाइड बैंक है एसबीआई में जाओ एसबीआई में कहो कि ये मेरा चालान है ओके वो देखेगा चालान ओवर द काउंटर आपसे पैसा लेगा और वो फिर आपके जीएसटी के चालान को कंप्लीट करेगा उसको हम क्या कहते हैं ओवर द ये सबको समझा एक मिनट ई e पेमेंट मतलब आपका डायरेक्ट यूजर आईडी आपका वो बैंक में अकाउंट है जो बैंक से पेमेंट एक्सेप्ट होते हैं समझ में आया ओवर द काउंटर मतलब आपका वो बैंक में नहीं है तो कैश लेके बैंक में जाओ नोटिफाइड बैंक में वहां पैसा देके पेमेंट करो और तीसरा एनईएफटी एंड आरटीजीएस समझ में आया ठीक है तो पेमेंट कैश में होते हैं डायरेक्ट ऑफिसर के पास या चालान से होते चालान से पेमेंट होते चलो वेरी गुड आप आ गए ये यहाँ पे अब हमने क्या देखा अरे यार ये कहा पहुंच गया हाँ अब ये ऑप्शन देखो क्रिएट चालान उसके बाद में सेव चालान अब सेव चालान यानी क्या आ, एक, एक इंसिडेंस प्रैक्टिकल इंसिडेंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो इंसिडेंस ऐसा हुआ था सेव चालान का कि पांच तारीख जन मैंने आपको कहा कि मेरे कैलकुलेशन मोस्टली पांच तारीख तक हो जाते हैं तभी मैं तभी मैं यहां पे पर जब तक मेरा टू बी अपडेट नहीं होता है पूरा तब तक रिटर्न और चालान फाइनल नहीं करता हूं अच्छा ये चालान में पूरा आउटपुट टैक्स आएगा या नेट आउटपुट टैक्स आएगा चालान में पूरा नहीं आता है। चालान मतलब एक्चुअल पेमेंट है समझ में आया क्या तो एक्चुअल पूरा करोगे या नेट करोगे तो जनरली चालान आपने 20 तारीख रिटर्न के पहले आई रिपीट रिटर्न कौन सा फॉर्म रिटर्न कौन सा फॉर्म जीएसटी आर थ्री बी वॉट इज द डेट ट्वेंटी समझ में आया क्या 20 तारीख डेट होगी आपकी तो 20 तारीख के पहले ये चालान आपने सबमिट करनी चाहिए पर नॉर्मल प्रैक्टिस में 12 तारीख के बाद क्यों 12 तारीख के बाद तक तो आपका जीएसटी आर बन जाता है टू भी अपडेट होता है बारह को अरे हाँ है ना टू भी अपडेट होता है रिकनसिलेशन हो जाता है नेट टैक्स निकल जाता है तो जनरली बारह तारीख के बाद ये लॉ में नहीं लिखा है प्रैक्टिस में बता रहा हूँ जनरली बारह तारीख के बाद और बीस तारीख के पहले ये चालान हो जाने पर अब समझ लो यहाँ पे क्या हुआ थर्टींथ को हमारा चालान रेडी हो गया मेरे अकाउंटेंट का कॉल आया कि सर इस बार का टैक्स पेमेंट जो है बड़ा अमाउंट है और टैक्स पेमेंट है क्रेडिट्स भी बड़े हैं तो इस मंथ में मैं चालान रेडी हो गया और चालान रेडी हो गया था 14 को तो सबमिट कर दे मैंने कहा रुक हमारे पास 6 दिन और है और इस बार अमाउंट बड़ा है एक बार फिर से री वेरीफाई कर लो पर उसने तो चालान बना ली थी क्रिएट कर ली थी तो मैंने कहा अभी सेव करके रख पेमेंट मत कर समझ में आया अभी सिर्फ सेव करके रख 6 दिन में देखेंगे ना क्योंकि कोई चेंजेस करना पड़ा तो कोई चेंजेस करना पड़ा तो तो आपको सेव चालान का भी ऑप्शन अवेलेबल है इज इट क्लियर ओके चालान हिस्ट्री एंड एक्सेट्रा तो ये जो था रिगार्डिंग टू किससे रिलेटेड बात कर रहे थे हम? चालान रिलेटेड मैं वापस आता हूं हमारे डिस्कशन पे आ, अरे यार ज्यादा टाइम मैंने यूज कर लिया है अब ये तकलीफ देगा पर जो भी है आ, मेरे डैशबोर्ड पे जाता हूं वापस सर एक मिनट अरे ए, एक Uh, मुझे वापस साइन इन करना पड़ेगा चलो ठीक है ऐसे इसमें ऑप्शन मिलता है रिटर्न का रिटर्न का जीएसटीआर वन तो वो रिटर्न का वो अभी बहुत देर से यूज कर रहा हूं इसलिए वो यहां पे अब तो यहां पे जीएसटीआर वन अब जब आप रिटर्न को क्लिक करते हो तो ऑप्शन मिलता है जीएसटीआर वन जीएसटीआर वन में फिर वो एक ऑप्शन देता है अपलोड यूटिलिटी क्या कहते हैं अपलोड यूटिलिटी मतलब आपने जो एक्सेल बना के रखी है कौन सी एक्सेल इनवॉइस वाइज अरे यस और नो अपलोड यूटिलिटी तो वो क्या कहता है कि जैसे आपने अपलोड पे क्लिक किया आपको लोकेशन देना पड़ता है एक्सेल का वो एक्सेल को ड्रैग करना पड़ता है अरे आया ना और वो एक्सेल जैसे ही तो वो उसमें का डेटा अपलोड कर लेता फटाफट तो उसमें वो कॉलम स्पेसिफाई होते हैं उस कॉलम से वो डेटा उठा लेता है और फिर वो इनवॉइस वाइज अपडेट कर देता है अपने इसमें GSTR one में अभी क्या हो गया अभी सॉफ्टवेयर ऐसे बन गए कि वो ओके okay, पोर्टल से कनेक्टेड होते हैं जैसे आपने इधर इनवाइस बनाया अब आपको तो एक्सेल बनाने की जरूरत नहीं टैली तो ऐसा आ गया कि इधर इन्वाइस प्रिंट किया कि इधर पोर्टल पे अपलोड हुआ अरे है ना पोर्टल की अपलोड यूटिलिटी पे ऑटो अपलोड हो जाता है यानी अब उतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है ये समझ में आया कि नहीं आया अब रिटर्न में दूसरा होता है ओके चेक यूर जीएसटी आर टू बी क्या होता है चेक यूर जीएसटी आर टू बी मैं बताऊंगा वो अभी मल फंक्शन कर रहा है ओके चेक यूर जीएसटी आर टू बी तो ये जो है पहले लॉग इन कर देता हूं भाई नहीं हो रहा है चलो जाने दो तो चेक यूर जीएसटी आर टू भी जैसी चेक यूर जीएसटी आर टू बी पे आपने क्लिक किया तो आपने पीरियड डालना है कौन से मंथ का जीएसटी चेक करना है अरे है ना जैसे आपने पीरियड डाला वो जो जो भी सप्लायर से आपने खरीदा है कम आन, जो जो भी सप्लायर से खरीदा है उसका जीएसटी वैल्यू जीएसटी वो सब बता देता है कि भाई ये, ये सप्लायर ये समझा या नहीं समझा चलो मुझे इतना ही जरूरत था सर हम ये सब कुछ पिछले एक डेढ़ घंटे से ओके क्यों पड़ रहे हैं अब आता हो हम हमारे डिस्कशन पे अब यहां तक आपको समझ में आया क्या मैंने क्या बोला येस और नो और आज बिना ब्रेक के क्लास टेन फिफ्टीन तक होगी बिना ब्रेक के क्लास मुझे एक अर्जेंट काम है तो ब्रेक नहीं होगा टेन फिफ्टीन टेन, टेन ट्वेंटी तक क्लास होगी धन हाँ, अब 25 तक, आ जाओ सेक्शन ट्वेंटी फाइव तक हा डिस्टिंग पर्सन इसे कहा जाता है मिनट हा <clears throat> uh, वो बेटा ये सारी डेट अभी किसी का क्वेश्चन है राजस्थान में तो ट्वेंटी फोर डेट है वो क्यूआरएमपी स्कीम है ये मैंने जस्ट जनरल फ्लो बताया बेटा ये सारी चीजें और डेप्थ में बताऊंगा इन चैप्टर रिटर्न कौन से चैप्टर में रिटर्न ठीक है अभी जो भी बता रहा हूं इंडिविजुअल केसेस मत लाओ अभी जो भी बता रहा हूं एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूं अभी तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया हर चीज के लिए एक सेपरेट चैप्टर है पता है ई कैश लेजर ई क्रेडिट लेजर पे एक सेपरेट चैप्टर है ओके okay, रिटर्न पे एक सेपरेट चैप्टर है आईटीसी जीएसटी आर टू बी पे एक सेपरेट चैप्टर है सारी डिटेल्स में आगे कवर करूंगा ये समझ में आया क्या डिस्टिंग पर्सन डिस्टिंग पर्सन के सामने लिखो डीम डिस्टिंग पर्सन डीम डिस्टिंग पर्सन जिसको हम बोलेंगे डीडीपी शॉर्ट में आगे क्या बोलेंगे डीडीपी डीम डिस्टिंग पर्सन यह पढ़ाने के लिए सबसे पहले अगर आपका इनकम टैक्स हुआ होगा तो मैं इनकम टैक्स का नॉलेज यूज करना चाहूंगा इनकम टैक्स में यह बताइए आपका जो पैन है परमानेंट अकाउंट नंबर ये आपको शॉप वाइज मिलता है या पूरे इंडिया का एक ही मिलता है हर एक शॉप का नहीं नहीं पूरे इंडिया का ओके पूरे इंडिया का फॉर वन एंटिटी फॉर वन एंटिटी समझ लो वी स्मार्ट एकेडमी की खुद की ट्वेंटी फाइव ब्रांचेस है हमारे एंटिटी की कंपनी की कंपनी की है और उसकी ट्वेंटी फाइव ब्रांचेस है तो पैन ब्रांच वाइज लेना पड़ता है एड ये बताओ स्मार्ट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड स्मार्ट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड इसकी ट्वेंटी फाइव ब्रांचेस है तो ये पैन सबका अलग अलग रहेगा ना नहीं भाई साहब नाम ही है परमानेंट समझ में नाम ही है क्या परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब पर एंटिटी आई रिपीट द वर्ड क्या पर एंटिटी सिंगल पैन पर एंटिटी सिंगल पैन अब एग्जांपल के तौर पे आप प्रोपराइटर अपने बिजनेस के हो और कहीं पार्टनर भी हो तो प्रोपराइटर सेपरेट एंटिटी पार्टनरशिप फॉर्म सेपरेट एंटिटी एंड पर एंटिटी वन पैन पैन पूरे इंडिया का एक ही मिलता है समझ में आया फिर यहां पे एड स्मार्ट अकेडमी की ब्रांच दिल्ली में हो राजस्थान में हो इधर और कहीं के, के बैंगलोर में हो समझ में आया क्या पैन एक ही मिलेगा सैमसंग कंपनी एलजी कंपनी की फैक्ट्री कंपनी एक ही है फैक्ट्री पुणे में हो फैक्ट्री सूरत में हो फैक्ट्री राजस्थान में हो पैन एक ही रहेगा समझ में आया क्या सो so, चलो पैन ए, आपका समझ लो कोई ए के के सी बी सिक्स सेवन वन नाइन एम ठीक है तो ये मेरा पैन नंबर है समझ लो ये मेरा क्या कितने डिजिट अल्फा अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है ये आई रिपीट क्या टेन अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है क्लियर सबको प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन मैं दो मिनट का टाइम देता हूं जिसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो क्लास के बाहर जा सकता है पर मुझे बात करते हुए नहीं दिखना चाहिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बी हर्ड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू कैन गो आउटसाइड द क्लास अदरवाइज मैं ऐसी डिमांड ऑर्डर डालूंगा ना कि कोड भी सॉल्व नहीं कर पाएगा समझ में आया क्या तो इसलिए इधर ध्यान देना अब यहां पे ये हुआ आपका पैक समझ लो एड्यूस्मार्ट एकेडमी की फिजिकल सेंटर चल रहे हैं अलग अलग स्टेट में सब क्लासेस चल रहे हैं वहां की फैकल्टीज पढ़ा रही है अंडर द ब्रांड नेम ऑफ एड्यूस्मार्ट कंपनी एड्यूस्मार्ट समझ में आया क्या एड्यूस्मार्ट सब फैकल्टी को सैलरी शेयरिंग जो भी दे रहा है और लोकल लेवल पे सब क्लासेस चल रहे हैं मुझे ये बताओ यहां यहां आपका इनकम हुआ यहां आपके एक्सपेंसेस हुए यहां इनकम हुआ यहां एक्सपेंसेस यहां इनकम यहां एक्सपेंसेस यहां इनकम यहां एक्सपेंसेस सभी जगह हो रहे हैं। इन सब का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट अलग अलग बनेगी या सबकी एक ही बनेगी सारी ब्रांचेस है मैं डिपार्टमेंट मैं डिपार्टमेंटल वाइज अकाउंटिंग नहीं करता हूं वो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग मेरी कन्वीनियंस ही है। बाय लॉ बाय मुझे बताओ सबके बाय लॉ सबके प्रॉपर्टी लॉस अकाउंट अलग अलग है कि एक ही बनते हैं। बाई साहब अकाउंटिंग अगर समझता है तो तुम्हारे बिजनेस का बैलेंस शीट बनता है समझ में आया क्या तुम्हारे बिजनेस का प्रॉपर्ट एंड लॉस अकाउंट बनता है ऐसा अलग अलग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आपकी ही है पर बाय लॉ वो जरूरी नहीं है समझ में आया क्या मतलब इन सबका ओके एक ही ट्रायल बैलेंस एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही बैलेंस शीट ये समझा या नहीं समझा एक ही बैलेंस शीट और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरे बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट होगा आई रिपीट पूरे बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आएगा इनकम टैक्स अरे हा या ना तो मुझे बताओ इनकम टैक्स ब्रांच वाइज पे करना पड़ता है या बिजनेस के प्रॉफिट पे करना पैन एक ही है भाई तो इनकम टैक्स के रिटर्न सेंट्रल टैक्स है वो इनकम टैक्स के रिटर्न ब्रांच वाइज नहीं जाते इनकम टैक्स के रिटर्न बिजनेस का जाता है और एक ही रिटर्न जाता है फिर तुम्हारी ब्रांचेस सब्सिडरी सेपरेट एंटिटी है समझ में आया मैंने क्या वर्ड यूज किया ब्रांचेस तो इन शॉर्ट थोड़ा प्रिंसिपल सेट करते हैं जहां से आपको पता है वहां से उठा बॉस में जीएसटी में ये आपको पता है एक ही होता है सारे ब्रांचेस का इनकम टैक्स लॉ में एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा पूरा बिजनेस का प्रॉफिट निकाला जाएगा उसका इनकम टैक्स निकाला जाएगा अंडर पीजीबीपी अंडर क्या पीजीबीपी और आप एक ही रिटर्न भरोगे और एक ही पेमेंट करोगे डन अब आता हूं मैं अपने मेन डिस्कशन पे हाँ। समझ लो जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में देखता हूं लॉ बनाना आपको आता है क्या सैमसन कंपनी है और सैमसन कंपनी का सिंगल पैन है मैंने क्या कहा सिंगल पैन है एक ही पैन पैन एक ही रहता है अंडर वन एंटिटी ठीक है पर उनकी चार फैक्ट्रीज है एक महाराष्ट्र में दूसरा कहा एमपी में है तीसरा राजस्थान में और चौथा चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में एक यूटी ले लिया मैंने एक यूटी ले लिया चार फैक्ट्रीज और चार फैक्ट्री से गुड्स बनाते हैं ठीक है इंट्रा इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं गुड्स बेचते हैं मुझे ये बताओ कि अब सवाल आपसे पूछना चाहोगा और वो सवाल आपसे कि महाराष्ट्र में अगर स्टेट सप्लाई होता है और हां एक बात और बता दू सैमसंग कंपनी का एच महाराष्ट्र में एच ओ मतलब हेड ऑफिस महाराष्ट्र में गुड्स यहां बेचा गया इंट्रा महाराष्ट्र में हुआ तो वहां का एसजीएसटी लगा महाराष्ट्र में इंट्रा हुआ तो एसजीएसटी लगा और सॉरी सीजीएसटी और एसजीएसटी यह बताओ महाराष्ट्र में जो एसजीएसटी लगा वो कौन से स्टेट का रेवेन्यू है महाराष्ट्र का ये और नो क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है मतलब जो डेस्टिनेशन पे सप्लाई हुआ उस गवर्नमेंट को टैक्स लेने का पूरा हक है यस और नो तो ये महाराष्ट्र को जाएगा थोड़ा स्लो चल रहा हूं पर थोड़ा यहां पे महाराष्ट्र को जाएगा मुझे बताओ एमपी एमपी की जो फैक्ट्री है वहां माल बेचा गया अगर वहां माल बेचा गया तो मुझे बताओ अगर वहां माल बेचा गया वहां पे भी इंटरेस्ट रेट सप्लाई हुआ तो वहां अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है तो क्या लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी ये एसजीएसटी कौन से गवर्नमेंट का रेवेन्यू रहेगा एमपी गवर्नमेंट का रेवेन्यू रहेगा ये सर नो उसके बाद में राजस्थान सिमिलर राजस्थान में वैसे ही रहेगा एसजीएसटी लगा तो वो राजस्थान का रेवेन्यू रहेगा और सिमिलर क्या चंडीगढ़ चंडीगढ़ में एसजीएसटी नहीं लगेगा इंट्रा होता है तो एसजीएसटी को रिप्लेस कर दो किससे यूटी जीएसटी से ये समझ में आया क्या यूटी जीएसटी लगेगा लेकिन ये सैमसंग कंपनी डिसाइड कर रही है कि नहीं नहीं ओके हमारा एक ही पैन है और हमारा एचओ महाराष्ट्र है अरे है ना और हम एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो सैमसंग कंपनी आपसे राय लेना चाहती है कि जीएसटी में मैं सबका टैक्स जहां जहां भी मेरा सेल हो रहा है अलग अलग स्टेट में मैं सबका टैक्स सिर्फ महाराष्ट्र में देना चाहता हूं महाराष्ट्र टोटल टोटल करके सीजीएसटी एंड टोटल महाराष्ट्र एसजीएसटी क्या ऐसा हो सकता है क्यों माइक चाहिए मुझे लॉजिक सुनना है माइक यस कोई बता सकता है इधर इधर अगर सैमसंग कंपनी आपसे पूछे मैं सबका टैक्स जो है ओके पूरा महाराष्ट्र में देना चाहता हूं माइक दो वहां पे चलो फटाफट माइक दो इधर माइक रेडी रखना हाँ उधर दो वहां दो माइक हाँ, क्यों नहीं दे सकता पूरा महाराष्ट्र में सर महाराष्ट्र में जो इंटर इंटरा स्टेट सप्लाई हुआ है उसका रेवेन्यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है लेकिन एमपी में जो हुआ है उसका रेवेन्यू एमपी गवर्नमेंट का है अगर कंबाइन महाराष्ट्र में रिटर्न भरा तो पूरा रेवेन्यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएगा तो उसमें बाकी के तीनों गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस है करेक्ट यस करेक्ट अरे सही है कि नहीं है आपका भी सेम आंसर हाँ तो बिल्कुल सही है बाकी स्टेट गवर्नमेंट क्या कि हम क्या टाइम पास कर रहे है क्या हम टाइम पास कर रहे क्या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, बेस है। फिर तो हर मच जाएगी यहां पे कि पर मेरे यहां एचओ लाओ समझ में आया क्या मेरे यहां एच लाओ क्यों क्योंकि फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है स्पेशली एसजीएसटी का पैसा तो उसी स्टेट में मिलना चाहिए यस और नो तो ऐसे केस में गवर्नमेंट सॉरी सैमसन ये कह रही है गवर्नमेंट को कि पे अरे बट मैं पैन है और एक ही बैलेंस शीट बनती है और मैंने सिर्फ महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लिया है अगर मैंने महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लिया है तो ऐसे केस में जहां रजिस्ट्रेशन लिया वही रिटर्न दूंगा ना वही रिटर्न दूंगा ना मैंने रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में लिया है अरे फिर मैं अब एक मिनट एक मिनट ओके okay, तू मुझे अभी इसका सोल्यूशन दे किसने बोला हाँ, इसका सोल्यूशन दे मेरा मेरा रजिस्ट्रेशन क्योंकि पैन तो तो एक तो ही है अरे आया ना तो okay, ही है तो मेरा रजिस्ट्रेशन जो है महाराष्ट्र में तो जहां मेरा रजिस्ट्रेशन है वहां से जीएसटी आर वन दे पाऊंगा ना जीएसटी आर वन पिक्चर में आया अरे ना ओके वहां पर मैं जीएसटी आर वन दे पाऊंगा वहां पर थ्री भी दे पाऊंगा अदर स्टेट में मेरा रजिस्ट्रेशन ही नहीं है जीएसटी में एक ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जैसे इनकम टैक्स में एक ही पैन होता है तो जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन सुनो सुनो जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन एक ही होना चाहिए तो एक रजिस्ट्रेशन में कोई एक स्टेट में कर सकता हूं तो मैं जो रजिस्ट्रेशन है महाराष्ट्र में कर दिया तो मुझे पूरा जीएसटी आर वन महाराष्ट्र से फाइल करना पड़ेगा मेरा टू भी महाराष्ट्र में ही अपडेट होगा मेरा थ्री भी महाराष्ट्र से ही जाएगा क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो एक ही होगा हर एक हर एक स्टेट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अच्छा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अगर एक ही रहा ओके रह. okay. आपका कहना है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हर एक स्टेट अलग होना चाहिए हर एक स्टेट का हर एक स्टेट का अलग अलग होना चाहिए नहीं नहीं रुको यार नहीं वाले बात में आपका क्या कहना है स्टेट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन अलग अलग चीज मैं यहाँ सारे फाइनेंस मिनिस्टर बैठे है ऑनलाइन भी फाइनेंस मिनिस्टर बैठे फाइना सबका व्यू लेना चाहूंगा ठीक है तो एक मिनट भाई साहब मैं कोई टाइम पास नहीं मेरे को पढ़ाने में अगर ये पढ़ाना है तो दो मिनट में पढ़ा के निकल जाओ पर भंती कैसे चीजें पॉलिसी डिसीजंस कैसे रहते हैं आप उसके लिए यहां बैठे हो मेरा अगर जीएसटी पढ़ाने की मेरी ताकत देखो तो मुझे पंद्रह दिन के ऊपर नहीं लगता पर मैं पढ़ा दू आपको समझना तो चाहिए अरे आया ना आपको जीएसटी ऐसा चम्मच चम्मच से पिला रहा हूं तू तू मुंडी नीचे देख है अच्छा पढ़ रहा है हा? मुंडी के पढ़ रहा है हाँ तो कुछ स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि रजिस्ट्रेशन अलग अलग होने चाहिए अच्छा कौन ये फेयर में कि नहीं सर जीएसटी का पूरे इंडिया का एक ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए माइक दो माइक माइक दो इदर, दो। इधर बैठो ना तभी, अभी आ, आधी घंटा बहुत बैठने का टाइम नहीं है डिस्कशन करने का टाइम है। हाँ। दो दो दो, दो। सर, बोलो एक मिनट हाँ बोलो जीएसटी हमने इसी जो नजदीक पकड़ ऑनलाइन सुने नहीं जाता जीएसटी का जो हमने आवाज है कितनी बोल, बोल हाँ से बोल हाँ सर वो एक्ट हमने कन्वीनियंस के लिए बनाया है अगर ऐसे हर स्टेट में जाके हमको रजिस्ट्रेशन ही कराना पड़ेगा तो हम बिजनेस कब करेंगे वो जाने दे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर तो मेरा हाँ? प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर मेरा एक ही मेरा प्रॉब्लम समझ अगर एक ही रजिस्ट्रेशन है तो मैं तो एक ही जीएसटी आर वन दे पाऊंगा एक ही रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन सिर्फ महाराष्ट्र का है तो मेरा पोर्टल सिर्फ महाराष्ट्र का ही ओपन होगा ना चल मैं तुझे हेल्प करता हूं अब व्हाट शी वांट टू से कि नहीं सर पोर्टल सिर्फ महाराष्ट्र से अगर ओपन होगा ओके और महाराष्ट्र के तो आपने लॉग वगैरह किया पर उसमें जब हम चालान में जाएंगे क्रिएट चालान समझ में आएंगे क्रिएट चालान तो क्रिएट चालान में हम एस महाराष्ट्र एस जीएसटी राजस्थान एसडीएसटी तू ऐसा बोल रही है ऐसा हाँ. करेंगे हाँ और वहां एस जी सब स्टेट के अलग अलग बताएंगे यस yes. यानी चालान तोरा ट्वेंटी एट स्टेट और फाइव यू यूटी का दिखेगा समझ लो मैं बहुत ही बड़ा आदमी हूं एग्जाम्पल हो, और हो, हो. एग्जाम मेरी ब्रांचेस सारे स्टेट में फैली हुई है एयरटेल yes. हाँ एस बी आई बैंक हाँ हाँ और मेरी सारे 28 स्टेट्स प्लस थ्री 28 प्लस थ्री मतलब 31 31 थर्टी है ना प्लस फाइव यूटी में भी है तो तेरा ये कहना है चालान में मैं हाँ स्टेट वाइज एसडीएसटी बताओ हाँ। okay, थोड़ा नहीं नहीं मैं सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं दूसरा दूसरा सारा अगर मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट महाराष्ट्र का है और कल जाके एमपी गवर्नमेंट को लग रहा है ये फ्रॉड में इन्वॉल्व है कल जाके अगर चंडीगढ़ गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये फ्रॉड में इन्वॉल्व है पर सारा रिकॉर्ड तो मैंने कहा रखा है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र गवर्नमेंट सबको कहती है हमारे स्टेट में बिल्कुल नहीं आने का अरे आयना हमारे हाँ। स्टेट में बिल्कुल नहीं आने का ओके हाँ। okay, अब इनको रिकॉर्ड चेक करने हैं हाँ। जबकि इनके डेस्टिनेशन से सेल हुआ है यस भाई वो सप्लाई सही कर रहा है क्या सब सब सही बता रहा है क्या कोई कैश में तो नहीं कर रहा है हाँ। अरे आया ना यस ये सारी चीजें चेक कर रहा है तो ऐसे केस में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, नहीं, नहीं तो स्टेट समझ में आया अब मैं पॉलिसी डिजाइन करने वाला हूँ हाँ। और आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ पॉलिसी ये डिजाइन करने वाला और आपके सामने कि इवन दो इनकम टैक्स में पैन एक होता है पर जीएसटी डेस्टिनेशन में हर स्टेट्स के अपने राइट्स उसके ऊपर अरे आया ना हर स्टेट्स के अपने राइट्स है उसके ऊपर तो मुझे ओके okay, मैं ये प्रोपोज करना चाहता हूं इन दिस हाउस ऑफ जीएसटी काउंसिल समझ में आया क्या कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन इवन दो पैन एक होगा पर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन हमने स्टेट वाइज अलग अलग रखने चाहिए अरे हाया ना, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज अलग अलग रखने चाहिए कुछ समझाया नहीं समझा तो मुझे यह बताओ कि अगर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज अलग अलग रखे तो क्या okay, हर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा उनके स्टेट में जो बिजनेस उसके ऊपर हा तो अब एक पॉलिसी फिक्स कर लेते हैं थ्री फोर्थ से ज्यादा वोटिंग मिल गई है ऑनलाइन भी वोटिंग दो बटा बट ओके यस और नो तो थ्री फोर से ज्यादा वोटिंग मिल गई है और अब मैं ये लॉ बना हम जीएसटी लॉ जब बनाएंगे तो स्पेसिफिक प्रोविजन रखेंगे कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज कंपल्सरीली आई रिपीट द वर्ड क्या कंपल्सरीली अलग अलग रहेगा जी समझ में अब समझ लो स्टेट वाइज कंपलसरीली अलग अलग रहेगा तो अब आपको इसमें गवर्नमेंट को अपना एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आ गया इसलिए गवर्नमेंट ने स्टेट वाइज कंपलसरी अलग अलग रखा ओके okay. दूसरा इनकम टैक्स प्योरली सेंट्रल लॉ है इसलिए उसका पैन समझ में आया क्या क्योंकि सेंट्रल और स्टेट में इसलिए इनकम टैक्स में सिंगल पैन सिंगल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ में आया क्या सिंगल सब कुछ रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल है जीएसटी ये प्योरली सेंट्रल लॉ नहीं है जीएसटी जो है वो कंबाइन होके चल रहा है ड्यूएल लॉ है है ना यहां प्रैक्टिकली हम सिंगल रजिस्ट्रेशन नहीं रख सकते समझ में आया इसलिए सबसे पहले दिमाग में फिट कर लो कि जीएसटी के सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते समझ में आया जो भी चीज पिछले दो घंटे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाएगी मेरा वादा है आपसे इसलिए प्लीज ये थॉट डेवलप भी वहीं दबा देना डेवलप भी मत करना कि भाई अगर ओके okay, हम अगर पूरे दो घंटे में एक ही टाइटल पढ़ रहे हैं क्या डिस्टिंग पर्सन तो सिलेबस कैसे खत्म होगा वो मेरे पे छोड़ दो हर बोले हुई चीज आगे के सारे चैप्टर में रिटर्न में इवेबिल में ओके okay, आईटीसी में याद आएगी और मेरा वहां स्पीड बढ़ेगा वहां ऐसा स्पीड बढ़ेगा कि आप ही को लगे सर समझ गया आगे बढ़ो यार समझ में आया क्या तो बस प्लीज प्लीज अभी अभी से जजमेंटल मत हो जाओ और आप तो मत हो जाओ क्योंकि आपके पैदा होने से पहले से पढ़ा रहा ठीक है ओके तो यहां पे हाँ तो यहां मैं अलग अलग रजिस्ट्रेशन लू यस बेटा आपकी पॉलिसी एक्सेप्ट होगी थैंक यू ओके ये अलग अलग रजिस्ट्रेशन सब गवर्नमेंट का अलग अलग आएगा तो यहां पे हर स्टेट में मुझे अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा कुछ दिन बाद का फॉर्म का प्रिंट आउट आपको मिलेगा और जो ऑनलाइन कनेक्टेड है उनको मैं लॉग इन में एज वेल एज टेलीग्राम ग्रुप पे दूंगा जिनको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा और हम रजिस्ट्रेशन का हर टेबल का हर लाइन कैसे फिलअप करते मैं बताऊंगा समझ में आएगा तो फॉर्म कौन सा होगा फॉर्म का नाम क्या है आरजी जीरो वन देन आ रीजी जीरो रजिस्ट्रेशन करवा लिया अब ये रजिस्ट्रेशन अच्छा एनटीटी अलग अलग है या एन एक ही है तो आपको रजिस्ट्रेशन का जो यहां पे मिलता है रजिस्ट्रेशन आपको पैन बेस रजिस्ट्रेशन मिलता है कमऑन क्या पैन बेस बस उसके आगे वो क्या करते पता है क्या ओके okay, उसको ये पैन के आगे वो डालते थे स्टेट कोड जैसे महाराष्ट्र का स्टेट कोड है ट्वेंटी सेवन ये पैन के आगे क्या डाल देते हैं स्टेट कोड तो महाराष्ट्र का कौन सा है ट्वेंटी सेवन फिर ये पैन के आगे दो डिजिट डालते एंटिटी कोड जैसे इंडिविजुअल ले लो इंडिव्यूजल समझना तो जीरो है. है तो फिर डालते थे एंटीटी कोड और फिर तीन नंबर होते हैं समझ लो वन टू थ्री ये होते चेकसम नंबर चेक जो कोई भी डिजिट आते उसमें बस चेकसम कैरेक्टर होते हैं तो ऐसा आपका जीएसटीन बन जाता है इसको कहते है, आपका जीएसटीन अरे है ना इसको कहते हैं आपका जीएसटी अच्छा कैसे पढ़ना जीएसटी को पहले दो डिजिट मतलब इस एंटिटी का ये महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन है अरे है ना पहले दो डिजिट फिर क्या आता है आपका पैन तो अभी आ, मुझे एक चेक करना था मेरे सप्लायर के कितने मेरे सप्लायर के कितने ब्रांचेस है एक मुझे चेक करना था कहाँ ब्रांचेस है ये ट्रेस कर सकते हो पोर्टल से आप मैंने क्या किया उसका पैन डाल दिया जैसे ही मैंने उसका पैन डाला फटाफट उसके सब स्टेट वाइज कोड सामने आ गए क्योंकि पैन तो सबके लिए सेम है अरे ये सुनो राजस्थान का होगा तो पैन यही रहेगा उसके सामने राजस्थान का कोड लग जाएगा एमपी का होगा तो एमपी का कोड लग जाएगा समझ में आया क्या तो सिर्फ सामने के दो डिजिट बदलते बाकी सब रहते हैं ये समझा इसको कहते हैं जीएसटी कितने अल्फा न्यूमेरिक कोड का होता है ये बताओ सिक्सटीन दस प्लस दो प्लस बारह प्लस पंद्रह का होगा ना दस पैन के हुए दो स्टेट के हुए है नारह बारह प्लस दो पंद्रह होगा कि सत्रह होगा सत्रह हो सकता है अरे है ना तीन चेक नंबर हो गए एनटीडी कोड भी होगा हाँ लेकिन चेकसम नंबर बदलते हैं इसलिए ये फिफ्टीन टू 17 के बीच में हो सकता है अरे है ना चेकसम नंबर कभी दो भी हो सकते हैं कभी तीन भी हो सकता है वो स्टेट पे डिपेंड है ये समझ में आया क्या ओके तो यहां पे चलिए वापस आ जाओ तो सबका रजिस्ट्रेशन से अलग अलग बनेगा सबका जीएसटी अलग अलग आएगा अरे यस और नो अब आपसे पूछना चाहता हूं अगर रजिस्ट्रेशन सबके क्या अलग अलग है रजिस्ट्रेशन सबके अलग अलग है तो मुझे यह बताओ कि यहां पे रजिस्ट्रेशन अगर अलग अलग है तो मुझे जीएसटी आर वन जीएसटीआर थ्री बस ये पढ़ाना था उसके वजह से डेढ़ घंटा बताया वन क्या रहता है जीएसटी आर वन और जीएसटीआर थ्री और टू बी ये कॉमन रहेगा या सबका अलग अलग रहेगा सबका अलग अलग क्योंकि आपके चार लॉग हो गए अगर आपके 28 एट ब्रांचेस है तो 28 एट लॉग हो गए समझ में आया क्या 28 एट प्लस थ्री प्लस फाइव यू टी नहीं थर्टी सिक्स होगा तो 36 सिक्स लॉग हो गए और भाई साहब अगर जिसके 36 सिक्स लॉग है वो बड़ा आदमी होगा वो संभाल सकता है समझ में आया कि नहीं बड़ा एनटीडी होगा जो वो संभाल सकता है उतना स्टाफ तो रख सकता है कि उसके 36 सिक्स लॉग संभाले जा रहे हैं Yes no? और नो जब मैं जीएसटी आर वन दूंगा तो बताओ जीएसटीआर वन में यहां का जो भी सप्लाई होगा इंट्रा या इंटर वो अपलोड करूंगा जीएसटी आर वन में यहां का इंट्रा या इंटर वो अपलोड होगा रिस्पेक्टिवली अदर स्टेट और यूटी यहां का टू बी अलग बनेगा यहाँ का टू बी अलग बनेगा यहाँ का टू बी अलग और यहां का टू बी अलग समझ में आया क्या सबका थ्री बी कॉमन रहेगा या अलग अलग रहेगा ठीक है चलो अब सर ये बताओ ये तो हो गया स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन आपको कंपल्सरीली अलग अलग लेने पड़ेंगे स्टेट वाइज तो मैं सर ये बताओ अगर सेम स्टेट में हमारी एक से ज्यादा ब्रांचेस होगी तो समझ लो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में मेरी जो है पुणे में ब्रांच है और महाराष्ट्र में मेरी जो है संभाजीनगर में ब्रांच है और मेरी नागपुर में ब्रांच है ये समझ में आया क्या नागपुर में ब्रांच है और यहां पे मेरी यहां पे भी ट्रेनिंग सर्विस है ध्यान से सुनना यहां पे भी ट्रेनिंग है यहां पे भी ट्रेनिंग है और यहां पे भी ट्रेनिंग सर्विसेस है तो सर एक ही स्टेट में मेरी अलग अलग ब्रांचेस है तो यहां पे सबका मिला के एक ही रजिस्ट्रेशन या अलग अलग लॉ ये कहता है सबका मिला के एक कर सकते हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब सर इमेजिनेशन बढ़ाना सबका मिला के एक ही रजिस्ट्रेशन मतलब सबका मिला के एक ही जीएसटीआर बन जाएगा हा तो ऐसे केस में तीस अप्रैल के बाद आप आने वाले ग्यारह दिन में ग्यारह दिन तीस अप्रैल के बाद आने वाले ग्यारह दिन में सारे ब्रांचेस का डेटा कलेक्ट करो और वो एक साथ जीएसटीआर आर वन में अपलोड करो क्लियर तो यहां पे इलेवन डेज दिया आपको जीएसटीआर सबका जीएसटीआर वन सर सबका जीएसटीआर टू भी एक ही बनेगा हाँ क्योंकि आपका जीएसटी है सभी ब्रांचेस का तो ऐसे केस में आपने अगर पुणे ब्रांच में बेंचेस खरीदे वो उसमें वो टू बी में ही दिखेंगे क्योंकि लॉग इन एक ही है अरे है ना आपने संभाजी नगर या नागपुर ब्रांच में खरीदा तो वो आपके उसी टू बी में दिखेंगे तो सारे ब्रांचेस की जो भी आपकी परचेसेस होगी वो एक ही टूबी में आएगी सर बट आपने कहा था ना वहां का क्रेडिट वही लेना वन टू वन को रिलेशन इज नॉट नेसेसरी मतलब आपका अगर रजिस्ट्रेशन एक ही है तो टोटल परचेसेस ऑफ द बिजनेस ऑफ अंडर दैट रजिस्ट्रेशन नहीं समझा आप टोटल परचेसेस ऑफ द बिजनेस अंडर दैट रजिस्ट्रेशन एंड टोटल सप्लाई ऑफ द बिजनेस अंडर दैट रजिस्ट्रेशन ये एक जी एस आर वन एक टू बी नेट एक थ्री बी क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक है एंड वन टू वन कोरिलेशन इज नॉट अपली इमेजिनेशन बढ़ा पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं प्लीज बताओ ठीक है देन एक ही जीएसटी आर थ्री भी आएगा ना ठीक है यहां पे स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन जो है वो यहां कंपलसरी है पर एक स्टेट में अगर आपकी एक से ज्यादा ब्रांचेस है मतलब मल्टीपल ब्रांचेस है तो गवर्नमेंट ने कहा आप यहां सिंगल रजिस्ट्रेशन में ही सारी ब्रांचेस को ले सकते हो अगर अब मैं कॉन्सेप्ट को बढ़ा रहा हूं हो सकते बहुत सारी चीजें आगे आ रही होगी पर वो मेरे पे छोड़ देना मैं सब इजी कर दूंगा अब इसमें क्या होता है जब एक से ज्यादा सिंगल स्टेट में आपकी ब्रांचेस होती है तो इसमें आपको कोई एक को कहना पड़ता है। क्या कहना पड़ता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जिसको मैं शॉर्ट में कहूंगा पीपीओबी पीपीओबी मतलब जैसे वीस मार्ट ने पुणे प्रेस्टीज पॉइंट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बोला है अरे है ना और बाकी की ब्रांचेस इसी आर जब आप आरजी जीरो आरजी मतलब रजिस्ट्रेशन अरे एन जीरो आरजी जीरो वन तो फॉर्म फाइल करते हो तो आप सारी ब्रांचेस का सिंगल ले रहे हो सारी ब्रांचेस का सिंगल रजिस्ट्रेशन डाउट मत पूछो अभी फिलहाल डाउट के लिए मैं टाइम दूंगा तो सारी ब्रांचेस का आप सिंगल ले रहे हो तो आपको इसमें पीपीओ भी बताना पड़ता है पहले तो मैंने पीपीओ भी कहा बताया पुणे प्रेस्टिज पॉइंट समझ में आ रहा है और फिर एपीओ भी बताना पड़ता है एपीओ भी मतलब एडिशनल एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो इस रजिस्ट्रेशन में आएगी जो इस रजिस्ट्रेशन में आएगी तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मैंने क्या बताया संभाजीनगर एंड नागपुर ये मेरी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है क्लियर ये मेरे रजिस्ट्रेशन की डिटेल जाएगी इसलिए जब मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म दूंगा और मैंने कहा पीपीओ भी क्लिक हो जाना आपको क्लिक हो जाना चाहिए अरे यहां है ना और मैंने कहा एपीओ भी मतलब एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ओके नाउ अब मेरे सामने चैलेंज देखो क्या है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ठीक है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अब ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में यहां पे कॉन्सेप्ट को समझना मेरी पुणे में ब्रांच है पुणे में मेरी सर्विस है ट्रेनिंग कोचिंग अंडर कंपनी नेम एक ही है एड्यू स्मार्ट ठीक है कंपनी नेम एक ही है एक ही पैन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay, पैन इसलिए एक वर्ड आप जो न्यूज़पेपर पढ़ता है जीएसटी की न्यूज पढ़ता है पैन इंडिया बेसिस कभी ये वर्ड सुना है पैन इंडिया बेसिस मतलब अंडर सिंगल पैन पूरा बिजनेस पैन इंडिया बेसिस तो अब यहां पे एक ही पैन है मेरा और पैन इंडिया बेसिस पे बिजनेस कर रहा हूं सिंगल okay, पैन में फिर मैंने नागपुर में ओके okay, ट्रेनिंग ने स्वीट की शॉप डाला अरे है ना और वहां से क्या बेच रहा हूं स्वीट पर कंपनी है वही है डायवर्सिफिकेशन हुआ अरे है ना वहां पे स्वीट बेच रहा हूं खाकरा बेच रहा हूं चॉकलेट बेच रहा हूं नाउ उसके बाद में मैंने संभाजी नगर में होटल डाला ओके अंडर कंपनी होटल होटल वी स्मार्ट होटल वी स्मार्ट स्विच, वी स्मार्ट ट्रेनिंग कंपनी एक ही है अरे भाई साहब ऐसा हो सकता ITC, है आईटीसी एक्चुअली बताओ कि आईटीसी टोबैको कंपनी है आटा भी बनाती है आशीर्वाद आशीर्वाद आटा आईटीसी का है हा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है अरे आए ना तो वही वी स्मार्ट स्वीट्स क्यों नहीं बना सकता ठीक है शुण। 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 वी स्मार्ट होटल भी चला रहा है वी स्मार्ट स्टेशनरी शॉप भी चला रहा है वी स्मार्ट नीचे वी स्मार्ट ने स्टेशनरी शॉप डाल दी जेरोक्स की शॉप डाल दी वी स्मार्ट हॉस्टल चला रहा है वी स्मार्ट ब्ला, ब्ला। समझ में आ रहा है तो अब ऐसे केस में और सारा अंडर वन स्टेट है अब मैंने क्या पढ़ाया आपको मैंने क्या पढ़ाया कि अगर एक स्टेट में आपकी ही अलग ब्रांचेस होगी तो गवर्नमेंट अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा अगर एक ही स्टेट में आपकी अलग अलग ब्रांचेस है तो आप जो है गवर्नमेंट कहती है सबका सिंगल रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हो अब इमेजिन करो वी स्मार्ट ने ये जो अलग अलग नेचर के बिजनेस है रजिस्ट्रेशन सिंगल लिया रजिस्ट्रेशन सिंगल लिया अच्छा रजिस्ट्रेशन सिंगल हुआ तो जीएसटी आर वन ग्यारह तारीख को जब मेरा जीएसटी आर वन जाएगा तो सबके अलग अलग जाएगा एक ही अपलोड करना पड़ेगा एक ही अपलोड करना पड़ेगा मेरा टू बी एक ही आएगा अच्छा टू बी फाइल करना पड़ता है या ऑटो अपडेट होता है मेरे का ऑटो अपडेट होता है थ्री बी एक जाएगा अब आप समझ लो सचमेर कंसल्टेंट हो और इस क्लाइंट का आप जीएसटी आर वन फाइल कर रहे हो तो जीएसटी कैसे दिखेगा पता आपको? ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स को बिल आपका आउटवर्ड उसी जीएसटी आर वन में यहां पे स्वीट्स बेचे रसमलाई बेचा रसगुल्ला बेचा अरे है ना उसी जीएसटी आर वन में स्वीट बेचे उसका उसका भी दिख रहा है उसी जीएसटी आर वन में होटल वो भी दिख रहा है तो <laughs> हो okay, तो होटल सर्विस होगी उसी जीएसटी आर वन में दिख रहा है इन शॉर्ट अगर आपकी शूज की वी स्मार्ट शूज तो वो शूज भी उसी इसमें दिख रहा है मतलब वो पूरा आपने जीएसटी आर वन फाइल किया जिसमें सब दिख रहा है ट्रेनिंग का पैसा होटल का पैसा स्वीट्स का पैसा शूज का पैसा सब दिख रहा है चलो यहां तक तो आपने इमेजिन कर लिया टू भी कैसा दिखेगा आपने परचेस किया बेंचेस आपने फैकल्टी पेमेंट कैमरा परचेस बीच में बेसन परचेस नहीं बेसन लगेगा ना स्वीट के लिए अरे है ना ओके आटा परचेस शूज के लिए लेदर परचेज अब बेसन और नीचे दिखा है लेदर, <laughs> क्योंकि टू भी एक ही बन रहा है अरे आया ना टू भी एक ही बन रहा है ओके अब आपने इतना सब कुछ करके मतलब आपका टू भी देखो जिसमें क्या क्या बेसन भी दिखेगा बेंचेस भी दिखेंगे कैमरा भी दिखेगा लेदर भी दिखेगा ओके और उसके बाद सुनना सुनना, उसके बाद आपने सारा डेटा मंथली फाइल किया ऑफिसर को डाउट आ गया कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है वी स्मार्ट चलो स्क्रूटी नहीं करते स्टॉक चेक करते ओके okay, स्टॉक में वो टू बी लेके आ गया और आपका परचेसेस और उसका स्टॉक रिकॉर्ड बताओ हाँ बेंचेस का है ओके okay, उसने देखे बेंचेस बेसन का है अब आपको कितने स्टॉक बेंचेस का स्टॉक कैमरे का स्टॉक वायर का स्टॉक फिर बीच में आता बेसन का स्टॉक ये समझे नहीं समझे भाई साहब आपके अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स है मैंने क्या वर्ड यूज किया बिजनेस वर्टिकल्स है वर्टिकल्स है बिजनेस वर्टिकल, वर्टिकल, वर्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वर्ड आता है जब आपका नेचर बदल जाता है अंडर सेम पैन तो अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स है और ये अलग अलग बिजनेस वर्टिकल होने की वजह से इवन दो गवर्नमेंट कहती है कि आप सिंगल रजिस्ट्रेशन लो गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं करती है पर इट इज स्ट्रांगली एडवाइजेबल कि टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन सेपरेट बिजनेस वर्टिकल एडवाइजेबल क्या हम एक स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं गवर्नमेंट कहती है ले लो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे पर आपको अगर लेना है आपको अगर लेना है क्योंकि आपके वर्टिकल्स अलग है तो आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं तो इससे दूसरी चीज कंक्लूड करता हूं पहला क्या मुझे वाइज रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है yeah. अच्छा सिंग सेम स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है या ऑप्शनल है ऑप्शनल है यह समझ में आया ना सेम स्टेट में अगर आपको लेना है तो एक लो सेपरेट कर, करना है तो सेपरेट करो चलो अगर मैंने मेरे बिजनेस कन्वीनियंसी के लिए क्योंकि मुझे ऑफिसर के लिए पॉसिबल नहीं है कि बेंचेस के साथ बेसन का स्टॉक दू मैं अपना अलग अलग कर रहा हूं और मैंने सबको अलग रजिस्टर कर दिया अंडर सेम स्टेट इसको भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन इसको भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन इसको भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन तो मुझे बताओ अगर मैं सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं तो मेरा सेपरेट रजिस्ट्रेशन मतलब सेपरेट जीएसटी यहां चेकसम नंबर बदलेगे क्योंकि स्टेट तो वही रहेगा अरे है हाँ ना स्टेट तो वही रहेगा पैन भी वही रहेगा एंटिटी कोड भी वही रहेगा यहां प्ले करता है चेक सम नंबर अरे हाँ ना? की है ना लास्ट के जो कोड होते हैं वो बदलते हैं क्योंकि सेम स्टेट है समझा या नहीं समझा तो अब मुझे बताओ अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले है तो आपको एक ही जीएसटी आर वन होगा या अलग अलग कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ गई तो ड्रॉबैक ऑफ सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन अ सिंगल स्टेट वही है कि कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ गई फिर सर क्यों लोग लोग क्यों लेंगे कन्वीनियंसी फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स कन्वीनियंसी फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स वो ज्यादा कन्वीनियंट है कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ेगी मैं रेडियो याद वो ऑफिसर को कौन चाय पानी देगा बेसन का स्टॉक और ये स्टॉक का कौन उसको वो परेशानी लेगा उसकी उससे अच्छा ये बिजनेस का स्टॉक अलग ये बिजनेस का स्टॉक अलग इसका सप्लाई अलग उसका सप्लाई अलग समझ में आया ना सर ये सबसे हाँ आप क्या पढ़ाना चाहते हो अब मैं जो तो आपको पढ़ाना चाहता हूं वो ध्यान से सुनो मैं आपको ये अब लॉ क्या कहता है लॉ देखो

ये मत समझना कि मैंने पढ़ा दिया और हो गया इसकी सिर्फ मैंने आज डोर बांधी है सिर्फ मैंने आज सिर्फ डोर बांधी आगे आगे देखो ठीक है तो अब क्या स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी कंपलसरी है हर स्टेट के अलग अलग रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्यों है मुझे लर्न करके मत बताना लॉजिक के साथ बताना क्यों जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सर हर स्टेट अपना रेवेन्यू लेगी अरे हा है ना ओके okay, तो मैं आपको यहां पे जो बना रहा हूं वो लर्न करने से ज्यादा ये चीज बनी क्यों ये क्यों सोचा गया उस पर मेरा फोकस है ठीक है उसके लिए यहां बैठे हो अदरवाइज टैक्सेशन में 50 मार्क्स आप क्लास भी नहीं लगाओगे तो मिल जाएगा ठीक है यहां बैठे हो आप 50 के लिए नहीं यहां बैठे हो आप 80 प्लस के लिए ठीक है तो इस बार 80 पर अंडर जीएसटी लॉ सप्लायर मस्ट ऑप्टेन अंडरलाइन द वर्ड क्या मस्ट ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन सेपरेटली अंडरलाइन सेपरेटली फॉर ईच स्टेट और यूटी वेर मेक द टैक्सेबल सप्लाई इफ एग्रीगेट और एक्सेट द प्रिस्क्राइब क्या थ्रेशोड वॉट इज द प्रिस्क्राइब थ्रेशोल जनरल ट्वेंटी सम केसेस टेन समोर्टी ठीक है वेर टेन वेर फोर्टी आई विल एक्सप्लेन लेट ठीक है ना रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्टेट वेर ओनली नॉन टैक्सेबल और एग्जाम ये अभी से पढ़ लेना इसका स्पेशल प्रोविजन में बाद में बताऊंगा अभी इतना ही पढ़ लो कि जहां सिर्फ आप एग्जाम सप्लाई करते हो या फिर वो स्टेट में जहां सिर्फ पेट्रोल ही बेच रहे हो वीस मार्ग का पेट्रोल पंप इन राजस्थान तो जहां अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो वहां पर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिया तो भी चलेगा पर एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे ये समझ में आ रहा है क्या पेट्रोल है अल्कोहल है वाइन शॉप वी स्मार्ट वाइन शॉप ठीक है नाउ इन शॉर्ट आपको सिंगल रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है उसके बाद में सिंगल रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट इन अ स्टेट मतलब एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन का क्या स्टेटस रहेगा नॉर्मली सप्लाई नॉर्मली सप्लाई रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर अ स्टेट

या फिर ऐसा भी कर सकते हैं चार ब्रांचेस का एक तीन ब्रांचेस का अलग अरे है ना वो खुद डिसाइड करे अना स्टेट की उनको करना क्या है अब मैं मेन प्रोविजन पे आऊंगा जो मुझे आपको पढ़ाना है ये तो हमने रजिस्ट्रेशन देखा देखो थेरी इतनी आसान हो जाएगी कि थेरी खुद ही बोलेगी बेटा समझा हुआ है तेरे को आएगा मेरे वर्ड से ज्यादा मेरे चेहरे से ज्यादा वो थेरी के वर्ड से बोलेंगे समझाए तेरे को ठीक है अब आगे बढ़ते ट्वेंटी फाइव फोर क्या कहता है डिस्टिंग पर्सन विथ सेपरेट रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट विथ अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन वेदर विद इन सेम स्टेट और यूटी और डिफरेंट स्टेट और यूटी आर ट्रीटेड एज डिस्टिंग पर्सन फॉर जीएसटी परपजेस सर क्या बोला आपने मैंने सेक्शन ट्वेंटी फाइव फोर कहता है अगर आपने सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिए तो वो जीएसटी पर्पस के लिए अलग अलग पर्सन माने जाएंगे ओके okay, अलग अलग पर्सन माने जाएंगे ये तो समझ में आया क्या जीएसटी पर्पस के लिए अलग अलग पर्सन माने जाएंगे अरे सर पर हमारी ब्रांच है जीएसटी पर्पस के लिए अलग अलग पर्सन माने जाएंगे सर बट उसका एक ही ट्रायल बैलेंस बनता है जीएसटी पर्पस के लिए अलग अलग माने सर एक ही लॉस अकाउंट बनता है एक ही बैलेंस शीट बनती है जितने रजिस्ट्रेशन उसने उतने डीम डिस्टिंग पर्सन डीम का मतलब वो है नहीं है नहीं पर अलग अलग पर्सन माने जाएंगे ये समझ में आया क्या अगर वो डीम डिस्टिंग पर्सन अगर हम कहे सुनना डीडी अब शॉर्ट अब एक शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा क्या डीडीपी डीडीपी मतलब डीम ये डीम का मतलब भी वो अलग नहीं है एक ही बैलेंस शीट होती है एक ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है लेकिन तुमने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया और तुमने सेम स्टेट में लिया या फिर तुमने अलग अलग स्टेट में लिया ओके डीम डिस्टिंग पर्सन माने जाए अरे समझ में तो तक देखा जाए सेपरेट डीडीपी बोला जाएगा चुप नाला चुप हाँ अब यहां पे अब ये डीडीपी बोलने से क्या गड़बड़ हो गई देखो सर ये बताओ हाँ बड़ा मजेदार एग्जांपल महाराष्ट्र और गुजरात ओके okay, मेरी ब्रांच है महाराष्ट्र में एक फैक्ट्री है और गुजरात में मेरी फैक्ट्री है गुजरात में मेरी फैक्ट्री है यहां से स्टॉक ट्रांसफर गुड्स का मेरी ही ब्रांच में जा रहा है ब्रांच बी वन ब्रांच बी टू समझ में आया क्या और ये ट्रक में गुड्स लोड हुआ और यहां पे ये जो ट्रक में ये ट्रक में जो गुड्स हो रहा है ये जा रहा है कहां पे गुजरात समझ में आया क्या अभी वापस यहां लाते ठीक है हाँ प्लीज प्लीज ये जा रहा है गुजरात अच्छा आपकी ब्रांच में गुड्स ट्रांसफर करना आपकी ब्रांच में गुड्स ट्रांसफर करना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है सेल है या स्टॉक ट्रांसफर है स्टॉक ट्रांसफर आपकी ब्रांच में जा रहा है यह और नो तो ये जो स्टॉक ट्रांसफर हुआ लेकिन ये जो है ध्यान से सुनिएगा ओके बेटा अब तो तू एक ग्यारह बजे तक तो जाएगा नहीं एक मिनट एक मिनट कुछ तो क्या हो गया भाई जस्ट ए मिनट फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है के हां तो अब यहां पे श्ख, 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 श्ख। अब मुझे ये बताओ ये ये महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है यस और नो और ये गुजरात में रजिस्टर्ड है दोनों डीडीपी है डीडीपी है मतलब डीम डिस्टिंग पर्सन है फॉर जीएसटी पर्पजेस सेक्शन ट्वेंटी फाइव फोर दोनों डीडीपी है अब अगर दोनों डी डी पी है डीम डिस्टिंग पर्सन है और एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स दे रहा है तो ये स्टॉक ट्रांसफर जो हुआ ओके यहां पे क्या स्टॉक ट्रांसफर जो हुआ क्या इस पे जीएसटी आना चाहिए दो पर्सन अलग अलग है तो परसेंट अलग अलग है ये स्... मैंने सेल नहीं बोला मैंने क्या कहा स्टॉक ट्रांसफर क्या जीएसटी आना चाहिए सेक्शन सेवन वन सी पैरा टू आगे पढ़ा होगा। सेक्शन सेवन ये बताओ सेक्शन सेवन किसका था हमारा सप्लाई? नव सेक्शन सेवन वन सी पैरा टू यह कहता है कि ये स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन टू ब्रांचेस विच आर डी डी बी ट्रीटेड एट सप्लाय एंड जीएसटी इज पेबल ट्रीटेड एट सप्लाय एंड क्या जीएसटी इज पेबल अरे बटसर सेल नहीं किया किसने बोला जीएसटी सेल पे आता है जीएसटी सप्लाय पर आता है and supply includes शॉक transfer अरे सर बट सॉ सर मन नहीं मान रहा है मना लेना इसका मतलब सर ye बताओ समझ लो समझ लो ओके मैं ओके पचास करोड़ का स्टॉक मेरे पुणे फैक्ट्री से सूरत फैक्ट्री भेज रहा हूँ ना मेरे पुणे फैक्ट्री से सूरत फैक्ट्री या ये ब्रांच से वो ब्रांच भेज रहा हो तो मुझे जीएसटी देना पड़ेगा अ सप्लाई देना पड़ेगा सर पचास करोड़ का जीएसटी रेट समझ लो ओके मैं लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर हूं ओके और लग्जरी कार मैन्युफेक्चर हूं ओके ट्वेंटी एट परसेंट का जीएसटी है समझ में आ रहा है तो पचास करोड़ का ट्वेंटी एट परसेंट करोड़ का जीएसटी मुझे देना पड़ेगा अरे सर बट ये सेल हुई नहीं पैसा आएगा नहीं ओके okay, जब जीएसटी देना पड़ेगा हाँ भाई हाँ हाँ बट बत आपको बता दू यहां जो जीएसटी दोगे उधर उसका क्रेडिट मिल जाएगा क्यों क्यों क्रेडिट मिलेगा अच्छा पहले बताओ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है आए जीएसटी लगेगा चलो सारी प्रोसेस को कलेक्ट करते मजा आएगा महाराष्ट्र का जीएसटी फाइल करोगे अरे है ना तो जी आर वन फाइल करोगे ग्यारह तारीख को ग्यारह तारीख को आप बताओगे कि इस जीएसटी तुम्हारी ब्रांच है जीएसटी आर वन में अपलोड करोगे यहां बनेगा टैक्स 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 और इसमें इन अब मैं बताता बनेगाइस कैसा रहेगा यह केस में आपका टैक्स इनवाइस जो रहेगा जस्ट मिनट हाँ यह केस में जो टैक्स इनवाइस रहेगा इसमें कंपनी नेम आपका सैमसंग अरे आया ना। बायर डिटेल सैमसन गुजरात ब्रांच यहाँ सेलर डिटेल सैमसन महाराष्ट्र ब्रांच अरे आया ना टैक्स इनवाइस बनेगा उसके बाद में पार्टी नेम वगैरह एड्रेस दोनों का एड्रेस दे दिया जाएगा उसके बाद में जीएसटीएन नंबर महाराष्ट्र अरे है ना और यहां जीएसटीएन नंबर गुजरात दोनों जीएसटी में क्या डिफरेंस है दोनों ही दो कंपनी के सैमसंग क्या रहेगा स्टेट कोड समझ में आया क्या ओके उसके बाद में उसका प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात समझ में आया ना गुजरात जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई जैसे ही उसने प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात डाला क्या आएगा पिक्चर में आई यस ये और नो अब यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन जो भी मैंने आइटम डाला ठीक है डिस्क्रिप्शन पर मैं यहाँ पे एच दे दूंगा क्वांटिटी दे दूंगा यूनिट दे दूंगा प्राइस नील लिखूंगा क्यों प्राइस नहीं लिखूंगा क्यों क्यों क्योंकि क्यो? 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 मैंने सेल किया ही नहीं स्टॉक ट्रांसफर है लेकिन अब मैं इसमें एक कॉलम और बना बनाऊंगा और वो कॉलम रहेगा टैक्सेबल वैल्यू आई रिपीट द वर्ड क्या टैक्स एक मिनट एक मिनट प्राइस अगर मैंने बेचा होगा बेचा तो नहीं इसलिए नील लेकिन मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी ये समझा है नहीं समझा वैल्यू निकालनी पड़ेगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी और भाई साहब ये टैक्सेबल वैल्यू ये सिर्फ जीएसटी के निकलेगी सर सर अब आपका सवाल वैल्यू क्या होगी तो ऐसे केस में वैल्यू मैं आपको बता देता हूं वैल्यू के लिए स्पेशल रूल है जो इंटर को 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 नहीं फाइनल फाइनल है ओके रूल रूल ऑफ पर आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं यहां पे जो वैल्यू डिक्लेयर करोगे आप अपनी परचेस वैल्यू भी डिक्लेयर कर सकते हो क्योंकि स्टॉक ट्रांसफर है या आप ओके okay, मार्केट के हिसाब से भी वैल्यू डिक्लेयर कर सकते हो या आपके हाथ में पर अभी मैं जो बोल रहा हूं वो सुन लेना वैल्यू क्योंकि वो रूल आपके सिलेबस में नहीं है ना इंटर सीएस किसी में भी नहीं है ये समझा है, नहीं समझा नहीं तो वैल्यू आप परचेस जितने में परचेस किया उतना क्योंकि स्टॉक ट्रांसफर है आया ना या थोड़ा बहुत मार्कअप करके भी कर सकते हो आपकी मर्जी पर जो वैल्यू आप डिक्लेयर करोगे जो वैल्यू आप डिक्लेयर करोगे उस पर जीएसटी निकाला जाएगा इन शॉर्ट इनवाइस में सेल प्राइस नील दिखेगा क्यों और यहां पे स्पेशली एम्बॉस करते हम प्रैक्टिस में स्टॉक ट्रांसफर क्या लिखते हैं स्टॉक और ये नील दिखता है और टैक्सेबल वैल्यू सिर्फ जीएसटी के लिए निकालनी पड़ती है जीएसटी के लिए क्या इसे भी सप्लाई माना जाएगा यस yes, इसे भी सप्लाई माना जाएगा और ये टैक्सेबल वैल्यू यहां निकलेगी फिर आपका ओके आईजीएसटी okay, क्या निकलेगा आईजीएसटी क्योंकि अदर स्टेट में गया समझाया नहीं समझा और अब ये इनवाइस बन गया ये इनवाइस मेरा सप्लाई है आउटवर्ड सप्लाई है अब मैं 11 तारीख को जीएसटी ग्यारह तारीख को जीएसटी तो है उसमें ये भी एक सप्लाई है प्लीज समझ में आ रहा है ना तो मैं अपने जीएसटी आर वन में ओके okay, जो एक्सेल बना रहा हूं उस एक्सेल में ये इनवाइस नंबर ओके जो भी इनवाइस नंबर होगा ये इनवाइस नंबर डालूगा ओके okay, उसके बाद में मेरे मेरी ही ब्रांच का जीएसटीएन डालोगा मेरा जीएसटीएन टैक्सेबल वैल्यू लिखूंगा वैल्यू कोई प्राइस थी कि मैंने डिटरमाइन किया मैंने एज पर रूल रूल कौन सा ट्वेंटी पर वो आपके सिलेबस में नहीं है ये समझ में आया क्या वो वैल्यू में ओके वो मेरे जीएसटीएन में डालूगा कौन सी ब्रांच जीएसटीएन में डालेगी महाराष्ट्र कौन सी ब्रांच जीएसटी में डालेगी महाराष्ट्र ओके okay, सारा डिटेल्स प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात वगैरह ओके आई okay, जीएसटी अमाउंट डाल देगी ओके जीएसटीएन वन का डेटा अपलोड हो गया अपलोड होते ही जीएसटी जीएसटीएन पोर्टल वहां से डेटा कैच करके गुजरात ब्रांच के टू बी में अपडेट कर देगा नहीं समझा गुजरात ब्रांच के टू बी में अपडेट कर देगा क्या गुजरात ब्रांच को उसका क्रेडिट मिल जाएगा यस yes. यहां आपका टैक्स बर्डन नहीं आ रहा है सिर्फ वो फ्लो कंटिन्यू रख रहे हैं नहीं समझा आप यहां बताओ टैक्स बर्डन आ रहा है कि फ्लो कंटिन्यू फ्लो कंटिन्यू फ्लो कंटिन्यू हो रहा है कि वो सो so दैट कि यहाँ यहाँ का जीएसटी पे पे कर दे और तू जितनी वैल्यू बोलेगा उस पे कर दे पर यहाँ पे कर दे और उधर उसका क्रेडिट ले ले और आईटीसी की चेन को कंटिन्यू रख आई रिपीट तो स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी लाने का ऑब्जेक्ट टैक्स पनिशमेंट है या टू कंटिन्यू द फ्लो ऑफ आई टू कंटिन्यू द फ्लो ऑफ आई क्योंकि आई टी ब्रेक नहीं होना चाहिए नहीं समझा आप क्योंकि वो स्टॉक आप जाके बेचने वाले हो गुजरात में अब गुजरात में स्टॉक बेचोगे तो वहां तो आईटीसी लिया नहीं आपने वो स्टॉक का आई महाराष्ट्र में लिया हुआ है थोड़ा समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं तो वो तो चेन ब्रेक कर देगा आई का तो ये आई टी की चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए इसलिए पहले तो वो दो पर्सन क्या माने गए हैं डीम डिस्टिंग पर्सन माने गए दूसरा पॉइंट क्या पहली ब्रांच आईजीएसटी लगाएगी हाँ और क्या दूसरी ब्रांच टू बी में उसका क्रेडिट ले लेगी यस yes. मैं कहता हूं ना आज जो आप मेरे से सीख के जा रहे हो ना मैंने बहुत बड़ी जम मरवा के आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है लेकिन समझ में आ गया तो सैल्यूट यू समझ में आया क्या ओके बड़ी जम लिया है टू बी और यहां पे हमने जीएसटी वन और थ्री बी ये सारी चीजें ली हो ठीक है प्लीज 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 दो नाला एक कहां दूसरा क्लास क्या है अगर किसी की बुक मुझे टेबल पे नहीं दिखी ना तो मैं ग्यार, ग्यार, क्लास साढ़े ग्यारह बजे तक ले लूंगा ये आदत बंद करो अभी तो कोई इमीजिएट क्लास है नहीं ओपन करो किसी की बुक और बैग लेकर खड़ा दिखाना है तो मैं उसको यहीं साढ़े ग्यारह बजे तक खड़ा रखूंगा चलिए रुक no, no, यहाँ पे प्लीज श्च, श्च। अब मुझे ये बताओ कि मैंने सेम स्टेट में ऑन मैंने सेम स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिए हुए है ले सकता हूं ऑप्शन है अगर सेपरेट लिए तो वहां पे मुझे टैक्स इन्वायस बनाने पड़ेंगे फिर समझ लो मैं मेरा एक रजिस्ट्रेशन पुणे में है दूसरा रजिस्ट्रेशन नागपुर में है और यहां से गुड्स कहां भेज रहा हूं नागपुर एक ट्रेडर है यहां का स्टॉक उधर भेज रहा है

इवन तो अपनी ब्रांच को जा रहा है और इसका क्रेडिट उधर मिल जाएगा आईटीसी का फ्लो, फ्लो मस्त वेगी कंटिन्यू रहेगा कोई ब्रेक नहीं आएगा समझ में आया तो ये ना इतना सक्सेसफुल है स्कीम इसमें हाँ कुछ लोगों ने बस पांच मिनट कुछ लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए थे कि ये क्या कर रहे हो यार आप एक ब्रांच पे पैसा दे रहे हो दूसरे ब्रांच पे उसका क्रेडिट ले रहे हो तो ओके गौ, गवर्नमेंट से सवाल पूछा बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ने कि आप पैसे क्यों ले रहे हो छोड़ो ना यार जब क्रेडिट देना ही है उधर तो ले क्यों रहा? गवर्नमेंट ने कहा यार ऐसा मत कर ओके किसी के साथ हिल पे जाके उतरना ही है तो फिर जाना है क्यों? ऐसा क्वेश्चन मत पूछ जो जाने का मजा है ना वो अलग अरे समझाया कि नहीं समझा भाई ये क्या ना कि भाई हिल पे जाके उतरना ही है तो हिल पे जाना ही क्यों अरे आया ना हिल पे भाई यहां पे तू तेरे लिए तेरे एंगल से तू सिंपल पूछ रहा है कि यहां पे दे करके क्रेडिट मिलेगा हमारे एंगल से समझ कि हमें क्रेडिट का फ्लो और रिकॉर्ड्स कंटिन्यू रखने रह हैं समझ में आया फिर इंडस्ट्री ने एक दूसरा सवाल खड़ा किया इंडस्ट्री ने बोला कि भाई ठीक है तुम तुम्हारा फ्लो देख रहे हो कंटिन्यूटी देख रहे हो सब कुछ देख रहे हो फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए लेकिन गवर्नमेंट को सवाल पूछा गया जब हम यहां से गुजरात बेचते पचास करोड़ का गुड्स बेच रहे चौदह करोड़ का टैक्स फोर्टीन करोड़ का टैक्स दे रहे हैं अरे है ना तो आज तो हमारा फोर्टीन करोड़ ब्लॉक हो गया क्रेडिट मिलेगा तब मिलेगा पर आज तो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गया मैंने क्या वो यूज किया वर्किंग कैपिटल तो ब्लॉक हुआ मेरा पैसा तो अटक गया ना आज ठीक है क्रेडिट मिलेगा कल मिलेगा परसों मिलेगा धीरे धीरे मिलेगा पर आज तो मेरा पैसा ब्लॉक हो गया गवर्नमेंट कहती है इतना तो होगा भाई इतना तो होगा पर अगर हमने ये नहीं किया तो चेन ऐसी जबरदस्त ब्रेक हो जाएगी कि आईटीसी के कैस्केडिंग चालू हो जाएगा समझ में आया क्या इसलिए ओके गवर्नमेंट ने बस एक ही ऑब्जेक्ट है स्टॉक ट्रांसफर को इसलिए टैक्सेबल करवाया बिटवीन टू डीडीपी बिटवीन टू डीडीपी बस इसलिए टैक्सेबल करवाया कि आईटीसी का फ्लो ब्रेक नहीं हुआ ठीक है दूसरा मुझे बताओ सेम स्टेट में अगर स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है सेम स्टेट में तो यहां पे क्या देखेगा आई जी या सी जीएसटी स्टॉक ट्रांसफर नील स्टॉक ट्रांसफर नील पर टैक्सेबल वैल्यू निकालनी पड़ेगी ये समझ में आया और उस टैक्सेबल वैल्यू एज पर रूल 28 निकलेगी और रूल 28 से जो भी वैल्यू निकलेगी वो आपको यहां पर इन्वाइस में बताना पड़ेगा और वो आपको पे करके जीएसटी आर वन में बेटा मैं अगर ये चीज आपको डायरेक्ट समझा देता तो ना आप जीएसटी आर वन इमेजिन कर पाते ना ये लॉजिक इमेजिन कर पाते ना क्रेडिट कॉन्सेप्ट इमेजिन कर पाते लेकिन अब इस स्टेज पे आप इतने क्लियर हो सच में इतने क्लियर हो कि चीजें कैसी हो रही है ओके okay, लेकिन और कुछ हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन देखेंगे टूमारो मतलब मंडे एट एम। नेक्स्ट सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी बंधनों को तोड़ के आना है चेक यूर बिलोंगिंग बाय बोलो बच्चों। और मुझे एक अर्जेंट काम है इसलिए मैं अभी कोई भी डाउट एंटरटेन करने वाला नहीं हूं हम मैं मंडे को पंद्रह मिनट पहले आऊंगा और आपके जो भी डाउट है तब एंटरटेन करूंगा अभी मैं कोई भी यस बेटा सेम स्टेट में भी पे करना पड़ेगा सीजीएसटी एसजीएसटी अगर सेपरेट बैंक होगी नाउ अब आपके डाउट संभाल के रखो मंडे को मैं डाउट के लिए 745 को कनेक्ट होगा हां पर मंडे को आने के पहले टेलीग्राम ग्रुप देख के आना ठीक है जब भी क्लास आओ तो पहले एक बार ग्रुप देख लेना ठीक है चलो अभी कोई क्वेश्चन नहीं आपके क्वेश्चन संभाल रखो मंडे को देखो चार्ट अभी तक अपलोड नहीं किया अभी अपडेशन में चार्ट्स नहीं क्वेश्चनर नहीं कुछ भी सिर्फ मॉड्यूल वन के अलावा कोई भी अभी तक मटेरियल नहीं दिया हुआ है संडे को क्लास नहीं मंडे को मिलेंगे ठीक है चलो डन